नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे देखो मेरे दोस्त आप सभी विद्यार्थियों के लिए और सारे एग्जाम को देखते हुए मैं बहुत ही कह सकता हूं चैप्टर शानदार चैप्टर जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं लॉगरिथम और आज जो है हम कंप्लीट चैप्टर आप सभी को पढ़ाने वाले हैं तो जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े आप उन्हें जरूर जोड़िए और बहुत फायदा आपको होने वाला है इतना तो जरूर कह सकता हूं कि ये चैप्टर का थोरी आज हम हम लोग पढ़ने वाले हैं और लगभग से अस्सी क्वेश्चन करने वाले हैं बड़ी बात ये यहां पर है और लगभग जब सत्तर से अस्सी क्वेश्चन को हम जब पिक कर लेंगे तो शायद ही क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल रह जाए ये आपका होगा लेकिन हमारा प्रयास है कि लगभग जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल को हम कवर कर ले और मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को इकट्ठा भी किया है तो अपडेटेड आपका होगा अभी तक जितने भी एग्जाम में जीरो लेवल टू टॉप लेवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका हमने कलेक्शन कर रखा है तो एक बार आप सारे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सारे विद्यार्थी स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होते हुए हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हर तरफ से आप स्वतंत्र हो आप किसी के आ, अंडर में ना हो किसी पर आपका कह सकते हैं प्रेशर ना हो प्रतिबंध ना हो है ना बस एक ही प्रेशर एक ही प्रतिबंध और एक ही बंधन में आप बंधन रहेंगे वो आपका जो है आपकी शादी होगा आपका है ना वो बंधन तो भाई जरूरी है तभी जिंदगी सवरने वाला है तो चलो एक बार हम चाहते हैं कि भारत माता का एक बार जय जयकारा होना चाहिए तो बोलो भारत माता की जय आप सभी को कमेंट सेक्शन में एक बार जयकारा मैसेज करना है ठीक है तब थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगा हौसला बढ़ेगा कुछ कर गुजरने का जुनून बढ़ेगा आपका और मैं आपको बता दूं कि आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा है ना तो एक बार सेशन को सभी लोग फैलाइए और एक बार बताओ क्या आप तैयार हैं लॉगरिथम पर फतेह पाने को जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धू बिट्टू विवेक नीतेश नितेश भाई बहुत बढ़िया चलो कौशल कुमार जी जुड़ चुके हैं राजेश पृथ्वी कुमार बहुत बढ़िया सुजीत रवि कुमार बहुत बढ़िया आपका ये सारे के सारे विद्यार्थी पीयूष भाई बहुत अच्छी बात है एलपी अमित अच्छा देखो अमित से पहले पी पहले इन्होंने एलपी पहले लगा रखा है चलो अच्छी बात है एलपी में सिलेक्शन होगा आपका है ना बस आप मेहनत करो रोहित गुप्ता बहुत अच्छी बात है आपका सरस्वती कुमारी भी आ गई वाह चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए तो सेशन को हम शुरू करते हैं एक बार नोटिस टेलीग्राम वगैरह पर दे दीजिए आप ठीक है आइए यहां ध्यान दीजिएगा देखो सबसे पहले तो आप सब लोग यहां पर हेडिंग लगा लेंगे लॉगरिथम है ना सबसे पहले आप सभी को यहां पे हेडिंग लगा लेना है लॉगरिथम देखिए लॉगरिथम सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लघु गणक कहते हैं क्या कहते हैं मेरे दोस्त लघु गणक कहते हैं अब देखो ये एक तरह से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जैसे आपने ग्रामीण क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन उसी में से आपका एक पोर्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन होता है एक प्रकार का फंक्शन होता है और कहीं ना कहीं देखो बहुत पहले जो है गणित में कुछ डाटाज काफी कैलकुलेटिव हो रहा था जैसे मैं आपको बता दो ए टू पावर एक्स इक्वल टू बी अगर मान लेते हैं ये दिया हुआ है ठीक है ए पर पावर कितना एक्स और इक्वल टू बी मतलब ए पर पावर एक्स करके इसकी वैल्यू निकालना जब बहुत टफ हुआ वैसी स्थिति में कह सकते हैं लॉगरिथम का निर्माण हुआ ठीक है वैसी स्थिति में लॉगरिथम का निर्माण हुआ मतलब मामला साफ है कि अगर हम a टू दी पावर x, x अब x के जगह पर कोई भी है, भी पावर हो सकता है। अगर इसमें हम का यूज कर दे तो फिर इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा समझ में आ रहा है बात चलो लोकेश अकेला अंकुश सर का चेला वाह बहुत बढ़िया आपका एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करो और शेयर तो करना ही करना आपका है तो हम कहेंगे a पावर से बराबर कितना दे रखा है आपका b दे रखा है अब आप क्या करो इसमें दोनों साइड लॉग ले लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो बताइए जब यहां पर हम लॉग ले लेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा a पावर एक्स और इधर जब लॉग ले लेंगे तो क्या होगा चला b हो जाएगा आपका सही बात है अब देखिए लॉग का रूल है जैसे यहाँ पे लोग किस में लगा है ए पावर एक्स पर लगा है तो हम क्या करेंगे एक्स जो पावर में है ना वो पीछे गुणा में आ जाएगा क्या मेरे दोस्त याद रखना अगर यहाँ पर पावर के फॉर्म में अगर कोई संख्या रहे और जैसे ही उसमें लोग लगेगा तो याद रखना पावर पीछे गुणा में आ जाएगा यानी आपका हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ ए और इक्वल टू लॉग ऑफ बी हो जाएगा बोलवुड्स क्लियर और नोट क्लियर है तो बताइए x इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ b बाई लॉग ऑफ a हो जाएगा ठीक है और यहां से आप कह सकते हैं x इक्वल टू एक्स इक्वल टू देखो लॉग ऑफ b टू द बेस a इसे हम इतना लिख सकते हैं अब जरा ध्यान देना कि अगर कह सकते हैं a पावर x बराबर b है तो ये तभी होगा जब x बराबर इतना होगा है ना तभी होगा जब x बराबर इतना आपका होगा एक बात बताओ मेरे भाई यहां पर ये जो x की वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस a देखो log b बटा log a को इस तरीके से हम लिखेंगे अब मेन रूप से सर इसको हम पढ़ेंगे क्या इसको पढ़ेंगे क्या तो जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग यहां पर यहां पर जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा जैसे यहां पर x इक्वल टू एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ है, टू है? अब कहोगे सर इसमें a क्या है तो सीधी सी बात है इसमें a जो है वो बेस है बेस है किसका बेस है चला लॉग का है बेस बोले तो आधार है आधार है ठीक है और ये बी क्या है तो बी जो है वो नंबर्स है बी जो है वो नंबर है बोले तो संख्या है जिसका लॉग क्या करना है निकालना है जैसे देखो बी का लॉग निकालना है तो बी वो नंबर है जिसका लॉग निकालना है है ना वो नंबर है देखो हम लिख दे रहे यहां पर जिसका जिसका लॉग क्या करना है दोस्त निकालना है ठीक है देखो बी क्या है वो नंबर है जिसका लॉग निकालना है और ए क्या है तो उस लॉग का बेस है क्लियर है तो ये चीजें आप सभी को आना चाहिए कि इसमें ये नंबर्स है और ये उस लॉग का बेस है जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे ऐसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि लॉग लॉग यहां पर लिखा हुआ है सेवन बेस टू तो सेवन आपका वो नंबर हो गया जिस पर लॉग निकालना है और टू जो है ना वो टू क्या हो गया उसका बेस हो गया बेस हो गया देखो टू को थोड़ा नीचे लिखते हैं बेस है तो है ना और ये सेवन जिसका लॉग निकालना है ये ऊपर में हम लिखते हैं इस छोटी छोटी बातों की जानकारी यहां पर होना चाहिए क्लियर है बात अब देखिए इसमें सभी लोग इसमें आप सभी के सभी विद्यार्थी यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा अभी देखो हमने बताया कि a पावर एक्स इक्वल टू बी अगर ऐसा कभी रहे ना तब हम दोनों साइड लॉग का यूज करेंगे और जैसे ही इधर लॉग लगाए तो पावर जो है वो पीछे गोड़ा में आ गया तो x इंटू लॉग ऑफ इक्वल टू लॉग ऑफ बी आपका हो जाएगा तो बताओ x इक्वल टू क्या हो गया लॉग बी बाई लॉग ए और इसी को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी टू कहोगे सर इसको पढ़ेंगे कैसे तो मेरी बात को गौर सुनिएगा इसको पढ़ेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा पढ़ेंगे कैसे देखो लॉग ऑफ ऑफ बी लॉग ऑफ बी टू to टू base बेस ए क्लियर है बात क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त लॉग ऑफ बी टू द बेस ए पढ़ेंगे इसको हम लोग लॉग ऑफ बी टू द बेस ए पढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग रीड करते हैं आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इतनी बात सभी को समझ में आ गया अब हम लोग का कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिसका यूज सवाल में होता है ये बात आप सभी लोग को ध्यान रखना है अब जैसे देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा कुछ फॉर्मूलाज है आप लोग नोट भी करेंगे फॉर्मूलाज है कुछ जैसे देखो सबसे पहला नंबर फॉर्मूला सबसे पहला नंबर फॉर्मूला देखो भाई यहां पर लॉग ऑफ वन टू द बेस ए इक्वल टू क्या होगा चला जीरो होगा आपका लॉग ऑफ वन टू द बेस ए इक्वल टू जीरो होगा हमारा ये पहला फॉर्मूला है सबसे पहला फॉर्मूला है थोड़ा सा अगर आप कहिए तो इसको हम और विस्तार करें समझिएगा बात को आप समझिए बात को अगर इसको आप थोड़ा विस्तार करिएगा तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आप सभी को वन तो यहां लिख दिया हमने वन इक्वल टू ए जो यहां पर बेस में है ना वो ए जाएगा उस तरफ ए जाएगा उस तरफ और जो बराबर के उस तरफ जो था जीरो वो चढ़ जाएगा आपका पावर में पावर में बताओ क्या ये सही है क्या कोई भी नंबर पर पावर जीरो करने के बाद रिजल्ट वन मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो जानकारी सभी को है कि कोई भी नंबर पर सर पावर जीरो करिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा आपका ठीक है तो वही बात यहां पर आपका है देखिए लॉग ऑफ वन टू द बेस ए इक्वल टू जीरो आपको हमेशा याद रखना है कि वन का लॉग कोई भी बेस पर कहेगा कोई भी बेस पर तो हमेशा कितना होगा चला जीरो आपका होगा सभी को ध्यान रखना है और देखो इसी को हमने आगे बढ़ाया तो यह मिला क्योंकि सर यह नई चीज कहां से आ गया तो अभी इसी के बदले हमने यह लिखा था देखो मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर यह चीज आपका इसी के बदले हमने ये लिखा था देखो इसको आगे बढ़ाते हैं बोलिए ध्यान दीजिए यहां पर नंबर्स क्या है बी है तो हमने कर दिया यहां पर बी बराबर ए जो है ना बेस में वो इस तरफ जाएगा A जो है बेस में इस तरफ जाएगा और पहले से जो मान है वो पावर पे चढ़ जाएगा देखो तो देखो सेम है कि नहीं बीवल टू ए पावर एक्स बी इक्वल टू ए पावर एक्स तो आपको ये आना चाहिए अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है अगर ये है तो तभी होगा जब ये होगा और अगर ये है तो तभी होगा जब ये होगा आपका तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है ठीक है चलो तो वही चीज मैंने बताया आपको आज के बाद याद रखना लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगा जैसे आप एक उदाहरण ले लो यहाँ पर उदाहरण ले लो दे दिया यहाँ पर लॉग ऑफ वन टू द बेस फाइव दे दिया तो याद रखना इसकी वैल्यू कितना होगा जीरो होगा अगर मतलब हमने दे दिया कि लॉग ऑफ लॉग ऑफ वन टू द बेस एक्स दे दिया इसका मतलब क्या होगा तो जीरो होगा अगर हमने कह दिया लॉग ऑफ वन टू द बेस एन स्क्वायर इसका मान क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा सभी को याद रखना है कि वन का लॉग कितना होता है जीरो होता है वन का लॉग जीरो होता है चाहे बेस कुछ भी हो आपका चलो दो नंबर रूल पे आते हैं आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए देखिए लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू वन लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू वन कहोगे सर ये कैसे हो गया तो जैसे देखो अभी अभी लॉग बी बटा लॉग ए लॉग बी बटा लॉग ए इसको हम क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं देखो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए मतलब अगर ऊपर बी में लॉग है नीचे ए में लॉग है तो हम चाहे तो दोनों के बदले की इकट्ठा लॉग लिख सकते हैं बी जो है नंबर का काम कर जाएगा और नीचे ए जो है ना वो बेस का काम कर जाएगा ठीक है ये बेस का काम कर जाएगा कभी कभी ये दोनों आपस में क्या हो जाता है सेम हो जाता है जैसा कि यहां आप पर आपको दिख रहा है ये दोनों क्या हो गया चला सेम हो गया तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लॉग ऑफ ए और फिर नीचे लिखेंगे ऐसे लॉग ऑफ ए इसमें अलग लॉग लगा देंगे और बेस में अलग लॉग लगा देंगे बताओ क्या ये ऊपर नीचे कटेगा सेम है तो कट जाएगा यानी इसका रिजल्ट कितना होगा वन होगा तो आज के बाद मेरे दोस्त मेरी बात को गौर सुनिएगा कभी भी दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं कभी भी आपको ये दोनों सेम दिख जाए आप लॉग का सवाल बना रहे हैं लॉग में नंबर और उसका बेस यदि सेम दिख जाए तो याद रखना उसकी वैल्यू एक होता है क्या सबको याद रहेगा बोलो पहला रूल पहला रूल तो लॉग वन की वैल्यू कोई भी बेस पर जीरो होता है दूसरा रूल नंबर्स और बेस यदि सेम हो तो इसकी वैल्यू वन होता है बोलो समझ में आया कि नहीं आया है ना चलो इसके बाद हम तीन नंबर रूल पर चलते हैं देखो एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो देखो बाकी हम सवाल ढेर सारा करेंगे देखो लॉग ऑफ फाइव टू द बेस फाइव इसकी वैल्यू कितना होगा बोलो वन होगा आपका कह सकते हैं लॉग ऑफ टेन बेस टेन इसकी वैल्यू कितना होगा वन आपका होगा अगर हम ले लेते हैं यहां पर लॉग ऑफ लॉग ऑफ कुछ ले लेते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर और बेस में भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर है तो इसकी वैल्यू कितना होगा वन आपका होगा मतलब अगर कभी भी नंबर्स और बेस सेम हो जाए तो इसकी वैल्यूज हमेशा कितना होता है वन होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की ओर बढ़ते हैं हमारा ये तीसरा नंबर फॉर्मूला आप सभी के सामने बोलो दो फॉर्मूला सब लोग नोट कर लिए नोट्स भी सब लोग बनाते चलेंगे भाई हां चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा तीन नंबर तीन नंबर आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए जैसे लॉग एक्स इंटू वाई है ठीक है भाई देखो अब यहां पर दो वेरिएबल है एक और चीजें बता रहा हूं सुनिएगा एक और चीजें बता रहा हूं ध्यान देंगे यहां पर लॉग टेन की वैल्यू वन होता है अच्छा एक बात बताओ यहां पर बेस कुछ दिख रहा है आपको कौशर नहीं दिख रहा है तो याद रखना मेरे भाई अगर कभी बेस आपको कुछ ना दिखे तो वहां पर दस छुपा रहता है क्या छुपा रहता है दस यहां पर देखो हम नोट में लिख दे रहे हैं यहां पे हम नोट लिख दे रहे हैं कि यदि यदि बेस यदि बेस कुछ ना दिखे यदि बेस कुछ ना दिखे तो तो वहां दस छुपा रहता है क्लियर है बात वहां दस छुपा रहता है आप सभी को ध्यान रखना है समझ बात को यदि बेस कुछ ना दिखे तो वहां दस छुपा रहता है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अब देखिए यहां पर जैसे यहां पर मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं था यहां पर मतलब दस छुपा हुआ है और हमेशा ध्यान रखना कि यहां तो दस पहले से छुपा हुआ है और इस जगह पर भी हमने यहां पर दस लगा दिया तो अभी जो नियम हमने पढ़ाया पहले वाला कि अगर कभी नंबर और बेस जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू कितना होता है वन होता है ठीक है तो वही चीजें यहां पर है कि लोग दस टू बेस दस टेन इसकी वैल्यू हमेशा वन हो जाएगा आप एक यहां पर उदाहरण ले लो ये तो क्लियर हो गया फिक्स हो गया कि लोग दस की वैल्यू एक होता है अगर मान लेते हैं आपसे कोई ऐसे पूछ देगा कि लोग हंड्रेड की वैल्यू बताओ हंड्रेड की वैल्यू बताओ बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब आपको समझना है बेस में दस छुपा हुआ है इसको आप सट से आगे बढ़ाओ देखो लॉग एक सौ को दस का स्क्वायर लिख देंगे एक सौ कितना लिख देंगे दस का स्क्वायर लिख देंगे लिख तो सकते हैं अब देखिए लॉग का रूल क्या है कि जो पावर है ना पावर पावर वो पीछे गुणा में आ जाता है ये लॉग का रूल है मैं इसकी भी चर्चा करूंगा तो दो आ गया यहां पर गुणा में गुणा में तो बच क्या गया तो देखो लॉग दस बचा दो तो गुणा में आ गया और बेस में दस अब आप ही बताइए यहां पर दो और इसकी वैल्यू कितना है देखो वन है, वन है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि लॉग टेन की वैल्यू वन होगा और लॉग हंड्रेड की जो वैल्यू होगा वो टू होगा अगर कोई कह देगा अगर कोई कह देगा आपसे कि लॉग थाउजेंड की वैल्यू बताओ तो इट्स वेरी सिंपल आप देखो दस में एक जीरो है तो रिजल्ट एक है सौ में दो जीरो है तो रिजल्ट दो आया में में हजार तीन में जीरो है तो रिजल्ट कितना होगा इसका तीन होगा आपका है ना बड़ा सरल बात है और अगर जहां तक एक एक्सप्लेन करने की बात है तो आप इसी तरीके से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपसे कोई कह देगा यहां पर यहां पे कह देगा लॉग दस हजार की वैल्यू बताओ तो दस हजार में चार जीरो है तो इसका रिजल्ट चार हो जाएगा अगर कोई आपसे कह देगा लॉग एक लाख की वैल्यू बताओ तो लाख में पांच जीरो तो रिजल्ट कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा और बेस में हमने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब आपको वहां पर दस समझना है डेडसीट जल्दी से आप सभी लोग इस चीज को नोट करिएगा ठीक है फटाफट नोट करिए सब लोग चलिए भाई बहुत बढ़िया एक बार सेशन कैसा लग रहा है सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से है ना और उम्मीद करते हैं तीन नंबर रूल भी आप सभी को समझ में आ गया होगा चलो एक बार फिर से रिपीट कर दे देखो पहला रूल हमने क्या बताया लॉग वन की वैल्यू जीरो होता है चाहे वहां पर बेस कुछ भी हो दूसरा हमने बताया कि जब नंबर्स और बेस दोनों सेम हो जाए तो हमेशा इसका रिजल्ट वन होता है और तीसरा यहां पे हमने बताया कि लॉग दस की वैल्यू एक बाकी ये सारा आपके सामने यहाँ बेस में अगर कुछ ना दिखे तो वहां पर समझो दस छुपा हुआ है आपका है ना चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ आप सभी लोग अगला रूल नंबर चार, चार यहां पर आप सभी लोग को ध्यान रखना है जैसे मान लेते हैं कि देखो अगर मान लेते हैं कि लॉग यहां पर फाइव दिया हुआ है और बेस फोर है और यहां पर मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है लॉग सिक्स है और बेस फोर है तो ऐसा नहीं कि इसको इक्वल समझ बैठना है है ना देखो यहां भी बेस में चार है, यहां भी बेस चार है तो ऐसा नहीं कि इक्वल आपका होगा ये इक्वल नहीं होगा इक्वल क्यों होगा ये है लॉग ऑफ फाइव टू द बेस फोर ये है लॉग ऑफ सिक्स टू द बेस फोर तो इक्वल फिर कैसे होगा है ना तो बेस बराबर होने से ये वैल्यू सेम नहीं होगा और अगर कभी वैल्यू बराबर होगा आ, ये नंबर्स बराबर होगा तो ऐसा नहीं कि बेस सेम होगा ये चीज कभी माइंड में भ्रम पाल के नहीं रखना है ठीक है चलो यहां पर देखते हैं जैसे लॉग ए टू दी पावर एक्स है ठीक है और बेस यहां पर बी है बोलो बेस का काम कौन कर रहा है यहां बी और नंबर्स कौन है ए पावर एक्स है तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर नंबर्स पावर में रहेगा देखो नंबर्स यदि पावर में रहेगा तो पावर पीछे गुणा में चल जाएगा तो एक्स जो यहां पर दिख रहा ना नंबर पर पावर कितना एक्स है और जैसे ही इसमें लॉग लग गया तो एक्स आ जाएगा पीछे गुणा में एक्स आ जाएगा पीछे गुणा में तो एक्स गुणा और यहां पे हो जाएगा लॉग ऑफ a a बेस में बी जो कहते हो आपका मतलब सीधी सी बात है कि अगर नंबर्स का भी पावर में रहेगा तो पावर पीछे गुणा में आ जाएगा ये हमारा नियम है आप सभी को ध्यान रखना है जैसे देखिए कोई क्वेश्चंस कह दिया कि बताइए लॉग आठ है बेस टू इसकी वैल्यू बताओ एक एग्जांपल हमने ले लिया लॉग ऑफ एट टूडा बेस टू इसकी वैल्यू क्या होगा तो बड़ा सिंपल बात है देखो लॉग और बेस में कितना है चला दो है आठ को हमने लिख दिया देखो दो का क्यूब लिख दिया आठ को हमने क्या लिख दिया दो का क्यूब लिख दिया दो का क्यूब लिख दिया आठ को हमने लिख दिया दो का क्यूब करो दो गुणा दो गुणा दो आठ मिलता है अब करना क्या है तो देखो तीन जो पावर में दिख रहा है ना वो पीछे गुणा में आ जाएगा ऐसा लॉग का नियम है तो हमने तीन को ला दिया गुणा में तीन गुणा और बचा क्या तो देख लो लॉग ये दो बच गया और बेस में कितना है दो ये रह गया आपका अब आप बताइए ऑफ बेस टू दोनों सेम हो गया क्या ये दोनों सेम हो गया और अभी मैंने सीखा है कि नंबर्स और बेस कभी जब सेम हो जाए तो वैसे ही स्थिति में उसका रिजल्ट वन होता है. तो थ्री इंटू वन थ्री इंटू वन रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा थ्री होगा ध्यान से पढ़ो ऊपर जा पर पढ़ने से नहीं होगा है ना हाँ तो ये चीजें हमारा है चलिए पांचवें रूल पर चलते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा पांचवें रूल देखो लॉग ऑफ ए नंबर हमारा ए है और बेस यहां पर बी पावर एक्स है जरा ध्यान देना यहां पर हमने बेस को पावर में कर दिया हमने यहां पर बेस को पावर में कर दिया और अब सीखना है कि जब नंबर्स पावर में था तो पावर सीधे गुणा में आ जा रहा था लेकिन जब कभी बेस पावर में रहेगा तब क्या करेंगे तो मेरे दोस्त बड़ा आसान है देखो यहां पर पावर में कितना है x है पावर में कितना है x है तो x गुणा में नहीं आएगा x गुणा में आएगा उसका इनवर्स जब नंबर्स पावर पावर में में रहेगा तब पूरे ये डायरेक्ट गुणा में आ जाएगा देख लो यहां पर लेकिन अगर बेस पावर में रहेगा तो गुणा में वन बाई एक्स आएगा हमारे साथ इसको याद भी करते चलना है तो वन बाय एक्स गुणा में आ गया तो बताइए बचेगा कितना यहां पर तो लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ए और ये तो चला गया उधर तो बेस का काम यहां पर सिर्फ बी करेगा आपका क्लियर है तो इतने बराबर हमारा ये हो जाएगा जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान दो जरा यहां पर जैसे लॉग ऑफ थ्री थ्री और बेस में हमने यहां पर इक्यासी कर दिया ठीक है और इसी का मान निकालना है लॉग किसका निकालना है तीन का आधार इक्यासी पर तो जरा ध्यान दो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख देंगे लॉग तीन और इक्यासी को हम लिख देंगे तीन के पावर चार क्लियर है इक्यासी को तीन के पावर चार अब बताइए बेस का पावर चार है तो गुणा में हम एक बटा चार लाएंगे क्या दोस्त बेस पर पावर चार है तो गुणा में एक बटा चार हम लाएंगे तो बताइए बचेगा क्या बचेगा यहां पे लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री बचेगा आपका ये थ्री यहां भी थ्री ये थ्री यहां भी थ्री बचेगा है ना ये चार जो है इधर आ जाएगा एक बटा चार गुणा में अब आप ही बताइए कि ये दोनों सेम हो गया ना और जब ये दोनों सेम तो इसका रिजल्ट कितना वन तो वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई वन वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई वन इसका मतलब आंसर हमारा वन हो वन हो जाएगा सही बात है वाह बहुत बढ़िया देखो मैं जो बता रहा हूं मेरी हर बात को बारीकी से आप सुनते हुए चलिए हमारा दावा है कि लॉगरिथम से आसान जो है लॉगरिथम से आसान आपका चैप्टर दूसरा नहीं हो सकता है जो चैप्टर को आप शानदार तरीके से पढ़ो वो चैप्टर सबसे आसान है और लॉगरिथम को हम आसान बनाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं ये हमारा पांचवा नियम है आप नियम को समझते चलो एग्जाम्पल भी मैं करा रहा हूं और कोशिश करा रहा हूं चीजों को आप याद करते चलिए याद ऐसे नहीं करना है याद सिर्फ यही करना है कि अगर नंबर पावर में रहे तो पावर पीछे गुणा में उतर जाता है बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको यह ध्यान रखना है अगर बेस पावर में रहे तो यह सीधे गुणा में उतर जाता है क्लियर है बात चलिए आप सारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पर देख रहे होंगे गेट 50 परसेंट ऑफ का चल रहा होगा और जबकि कूपन कोड अप्लाई करना है अंकुश 50 तो एकदम आप सही देख रहे हैं आज जो है ना हमारा ऑफर का चला लास्ट डेट है आपका ठीक है ऑफर का लास्ट डेट आज ही है रात बारह बजे आपका रात 12 बजे ऑफर का लास्ट डेट है तो आप सारे के सारे विद्यार्थी जिन्हें भी जिस भी तरह की कमजोरी मैथ्स में है अगर आप चाहते हैं कि हमारा सटीक इलाज हो तो आप अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो ठीक है प्ले स्टोर पर जाकर के और जिस भी तरह का आपको कोर्स चाहिए देखो अगर आप मैथ्स की बात करें तो कंप्लीट मैथ्स आपको लाइव फॉर्मेट में मिल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिल रहा है एकदम 50 परसेंट फी पर आपका ठीक है एकदम सीधे पूरा का पूरा 50 प्रतिशत आपका ऑफ चल रहा है आपका अगर आपको सिर्फ नंबर सिस्टम कमजोर है सिर्फ एडवांस कमजोर है सिर्फ अर्थमेटिक कमजोर है जो सेक्शन आपका कमजोर है या फिर कंप्लीट आप कॉम्बो खरीदना चाहते हैं सब पर 50 परसेंट ऑफ है आज आखिरी तिथि है रात के बारह बजे तक इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होता है और कूपन कोड है हमारा पता है अंकुश फाइव है कूपन कोड है हमारा अंकुश फाइव जीरो जैसे ही आप इसको डालिएगा डालिएगा फी ऑटोमेटिक आपका आधा हो जाएगा क्लियर है अच्छा लूसेंट बैच के बारे में बताइए चलो देखो यहां पर लूसेंट बैच है चला लूसेंट बैच लूसेंट बैच की यदि हम बात करें तो फी इसका जो है वो दो सौ रुपये है दो सौ रुपए है लेकिन आज रात 12 बजे तक आप परचेज करते हो तो आपको यही बैच जो है यही बैच जो है केवल और केवल आपको सौ रुपए मिलेगा इसमें आपको कंप्लीट लूसेंट जो है तीन से चार महीने में खत्म करा दिया जाएगा याद करा दिया जाएगा आपका और हर दिन जो है आप सारे विद्यार्थियों को लूसेंट बैच के साथ साथ एक एक सेट भी आपको कराया जाएगा और वो भी केवल और केवल आपको हंड्रेड में तो हमारा विचार है सभी को लूसेंट बैच में जरूर जुड़ना चाहिए आपका ठीक है एक और चीज मैं आप सभी को बता दू अगर कोई विद्यार्थी रीजनिंग अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग 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 रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 300 में आज ही आपका कोर्स लगा दिया गया है 300 में लेकिन अभी यदि आप एडमिशन लेते हो आज रात 12 बजे तक तो यही बैच केवल डेढ़ सौ रुपए मिल जाएगा डेढ़ सौ रुपए में आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है मेरा दोस्त समझ में आ रहा बात डेढ़ सौ में पूरा का पूरा रीजनिंग कराया जा रहा है चलो तो बाकी जो है हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं छठा नंबर रूल पांच रूल को हम लोग सीख चुके हैं आपका क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा ये रूल नंबर छह है मेरे दोस्त आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा एक बार सेशन को शेयर करिए सभी लोग जो लोग लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बहुत कुछ हर दिन आपको मिल रहा है है ना आइए छह नंबर रूल पे हम आते हैं देखो यहां पर लॉग एक्स इंटू वाई है मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी संख्याएं गुणा में हो और इसके साथ लॉग लगा हो तो लॉग को जब हम ब्रेक करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा यानी लॉग एक्स और प्लस में लॉग वाई हो जाएगा ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए यहां पर लॉग एक्स और प्लस में लॉग वाई हो जाएगा जैसे एक उदाहरण लेते हैं ध्यान दीजिए यहां पर सब लोग एक उदाहरण हमने ले लिया जैसे यहां पे लिखा हुआ है लॉग ट्वेल्व लॉग ट्वेल्व लिखा हुआ है तो हमारी इच्छा हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वेल्व को हम कर देंगे ऐसे फोर इंटू थ्री बोलो चार गुणा तीन बारह होता है कि नहीं होता है अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग चार और प्लस लॉग तीन लिख सकते हैं कोई दिक्कत आपका नहीं है देखो थोड़ी सी नई चीज है लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ही आपके लिए ये पुरानी होगी आपका है लॉग ट्वेल्व है।, है और इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब हो गया लॉग फोर प्लस लॉग थ्री हो जाएगा मतलब इसके बदले आप ये कह सकते हैं जरूरत पड़ा तो इसके बदले आप ये कह सकते हैं क्लियर है बात चलो अगले फॉर्मूलाज पर चलते हैं ये हमारा है सात नंबर फॉर्मूला सात नंबर फॉर्मूला आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए देखिए लॉग एक्स अपॉन वाई है यहां पर देखो एक्स वाई गुणा में था बट यहां पर एक्स वाई किसमें है भाग में है भाग में है तो इसको यहां पे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स है, और माइनस में आपका हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा क्लियर है बात माइनस में लॉग वाई हो जाएगा मतलब सीखना है जब गुणा रहे बीच में तो प्लस में टूटेगा और जब भाग रहे भाग रहे तो माइनस में टूटेगा ये आप सभी को क्या करना है ध्यान रखना है जब गुणा में रहे तो प्लस में टूटेगा और भाग में रहे तो माइनस में टूटेगा और लोग दोनों तरफ से वैलिड होता है मतलब अगर प्लस में है तो हम गुणा में लिख सकते हैं और गुणा में है तो उसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं अगर ऐसा कहीं कह लिखा है तो हम लोग बारह भी लिख सकते हैं और लॉग बारह यदि लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में है तो भाग में भाग में है तो माइनस में जैसे मान लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ लॉग 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 अगर सेवन बाई टू दिया हुआ है क्या दिया है दोस्त लॉग सेवन बाई टू दिया हुआ है इसको तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग सेवन और माइनस में लॉग टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपका क्लियर है सभी को चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा आठ नंबर फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा आठ नंबर फॉर्मूला क्या कहता है सुनो देखो लॉग 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 यहां पर ए लॉग ए लॉग ए, ए बेस में बी है तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए लॉग ए और बटा में लॉग बी हम चाहे तो इन दोनों पे अलग अलग लॉग लग लगा सकते हैं लॉग ए और बटा में लॉग बी ठीक है दूसरी नंबर चीज अगर आप बेस कुछ देना चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं लॉग ए और बेस में कुछ भी डाल दो एन डाल दो लॉग बी और यहां भी बेस में एन डाल दो। दोनों तरफ आप मनचाहा बेस दे सकते हैं उससे कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कुछ भी दे सकते हो यहां पर कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर जब इसको आप डराइव करिएगा ना लॉग ए बटा लॉग इन लॉग बी बटा लॉग इन तो इसलिए एन लिखिए एम लिखिए कुछ भी बेस दो ऊपर नीचे इक्वल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका तो आपको याद रखना है आठ नंबर में कि लॉग ऑफ ए टू द बेस दी है तो चाहे तो इन दोनों पर अलग अलग, 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 अलग नंबर बेस पर लगा सकते हैं ठीक है इसके बाद आप नौ नंबर नियम पर आप सारे के सारे विद्यार्थी आ जाइए देखिए लॉग ऑफ ए टू बेस बी है ठीक है हम चाहते हैं इसका इनवर्स लिखना लिखना क्या है लिखना इनवर्स लिखना देखो हम चाहते हैं इसका इनवर्स लिखना तो बड़ा आसान है इनवर्स लिखना बी चल जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे लेकिन इसको लिखेंगे वन बटा एक बटा एक बटा और लिखेंगे देखो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए याद रखना नंबर्स ए है और बेस बी है जब इसका इनवर्स लिखिएगा तो लॉग जो ऊपर में था ना वो लॉग कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा और ये दोनों का जगह आपस में इंटरचेंज हो जाएगा मतलब ए बी चला जाएगा ऊपर और ए कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो इसके बदले आप ये चाहे तो लिख सकते हो तो जल्दी से फटाफट आप सारे विद्यार्थी रोल नंबर छ सात आठ और नौ को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा आपका ठीक है भाई हाँ चलो एक बार आप कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी से क्लियर है जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब सब सब्सक्राइब जरूर करेंगे है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सेशन को लाइक भी करना है और दबा के जो है शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स में ठीक है भाई हाँ कर लिए चलो बहुत अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं नौ नंबर रूल तक हम लोग कर चुके हैं अब देखो हमारा दस नंबर रूल क्या कहता है जरा सुनिएगा सब लोग क्वेश्चन यहां पे रूल नंबर दस रूल नंबर दस सभी को ध्यान रखना है देखिए यहां पर हमने एक्स और पावर में ले लिया देखो लॉग ऑफ ए टू बेस एक्स कभी कभी सवाल इस तरह का भी देखने को आपको मिल सकते हैं ठीक है ठेके? अब देख लो जरा ये घातांक है ये एक्स पर पावर इतना ये घातांक है और आप बारीकी से जरा ऑब्जर्व करो तो घातांक का बेस और ये लॉग का बेस बोलो दोनों सेम है कि नहीं है हैं घातांक का बेस और लॉग का बेस बोलो सेम है कि नहीं है तो कहोगे सर एडजेक्ट सेम है एकदम सेम है तो मेरे भाई जब घातांक का बेस और लॉग का बेस कभी सेम हो जाए तो याद रखना जो लॉग में नंबर्स दिख रहा है लॉग में नंबर्स आपका क्या है ए है तो रिजल्ट भी इसका क्या होता है ए ही होता है जैसे आप एक उदाहरण ले लो सीधा साधा आप एक उदाहरण ले लो जैसे मान लेते हैं कि आ, यहां पे दे दिया है आपका फोर फोर और पावर में दे दिया है लॉग ऑफ लॉग ऑफ ए ए टू द बेस फोर आप बताइए बेस दोनों का सेम हो गया क्या घातांक का बेस क्योंकि चार पर पावर इतना है और लॉग का बेस क्या ये दोनों सेम है और जब ये दोनों सेम होगा तो इसकी वैल्यूज कितना हो जाएगा ये वाला चो कहते हो आपका ए हो जाएगा क्लियर है बात दूसरा अगर हम उदाहरण ऐसे ले ले सर एक्स के पावर दिया हुआ है लॉग ऑफ 25 और टू द बेस x तो आप देख लो का बेस भी x है और लॉग का बेस भी x है तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका पच्चीस का पच्चीस हो जाएगा आपका तो ये आप सभी को क्या करना है ध्यान रखना है हमारा ये लॉग नंबर लॉग का फॉर्मूला नंबर दस आपका है तो कुल मिलाकर के जो है ये दस फॉर्मूला ही हम सभी को पढ़ना है कितने फॉर्मूला पढ़ना है चला दस फार्मूला हम सभी को पढ़ना है दस फॉर्मूले हम सभी को पढ़ना है और सवाल इसी पर आप सभी को देखने को मिलेगा ठीक है तो अगर आप कहो तो सवाल स्टार्ट करने से पहले जो है वो जल्दी जल्दी दसो फॉर्मूला आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे आपका ठीक है भाई आ जाओ देखो सबसे पहला और बेसिक बातें तो हमारा ये था कि अगर कहीं इस तरीके से दिया हुआ रहेगी लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बराबर एक्स मतलब एक साइड लॉग हो और दूसरे तरफ कोई कांस्टेंट हो तो इसको हम क्या लिखेंगे पता है देखो लॉग किसका है बी का तो बी बराबर क्या मेरे दोस्त बी बराबर ए जाएगा उस तरफ और ये जो x है ना वो पावर में चला जाएगा है ना तो b बराबर क्या होगा देखो ए, चल जाएगा पावर में पावर x b बराबर a पावर x ये हमारे बेसिक बातें हैं है ना फिर देखो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए पहला नंबर पहला नंबर रूल था कि एक का एक का लॉग करिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है चाहे बेस यहाँ पर कुछ भी हो देखो दूसरा रिजल्ट था कि अगर ये दोनों सेम रहेगा तो ऐसी ही स्थिति में मान कितना होगा एक होगा अगर ये नंबर्स और बेस दोनों का भी सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू वन होता है अगर हम तीसरा नंबर रूल की बात करें तो याद रखना लॉग दस से का मान कितना होता है एक होता है मैंने एक बात बताया तो वहां पर समझना है दस छुपा हुआ है देखो दस में एक जीरो है तो मान एक लॉग एक सौ दो, तो दो हो गया देखो मैंने दिखाया भी है हजार में तीन जीरो तो लॉग एक हजार का मान तीन दस हजार में चार जीरो तो लॉग दस हजार का मान चार इसी तरीके से आपका अब देखो यहां पर चौथा नंबर नियम नियम यह कहता है कि जिसका आप लॉग निकाल रहे हो अगर वो पावर में है तो पावर पीछे गुणा में चल जाता है मतलब एक से यहां से हटेगा और एक से जाएगा गुणा में यानी रूल बन जाएगा x ऑफ टू है ना अगर बेस मान लेते हैं कभी पावर में है b पावर x तो x गुणा में नहीं आएगा वन बाई एक्स गुणा में आएगा और बाकी सेम सेम लॉग ए बेस भी आपका हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर लॉग के साथ संख्या गुणा में हो तो उसको आप विस्तार करेंगे तो प्लस में टूटेगा और जब भाग में रहेगा तो वो माइनस में टूटेगा आपको याद रखना है ठीक है आठ नंबर में हमने कहा कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है तो चाहे तो इन दोनों पे अलग अलग लॉग लग लगा सकते हैं लॉग ए बटा लॉग बी कर सकते हैं और अपना मनचाहा बेस यहां पर दे सकते हैं ठीक है चलो यहां पे लॉग ए बेस बी ऐसा लिखा हुआ है और हमें इसका इनवर्स लिखना है तो बड़ा सिंपल है एक बटा लॉग और ये दोनों का जगह आपस में चेंज हो जाता है बी चढ़ जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा बेस में यानी ऑफ टू द बेस ए हो जाएगा आपका ठीक है चलो इसके बाद यहां पर हमारा ये दस नंबर रूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया तो चलिए क्या आप सभी लोग इतने सारे फॉर्मूलाज पर रूल पर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट में कमेंट में जो है जय हिंद लिख करके मैसेज करो बहुत ही खूबसूरत दिन है बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत दिन है हमारे लिए और हमारे पूरे देशवासियों के लिए आपका तो अगर आप पूरे एनर्जी से लवरेज हैं और 70 से 80 सवाल करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा दौड़ना चाहिए आपका हमें आपके कमेंट का इंतजार है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ दिखा दो हिंदुस्तान की युवाओं की शक्ति पावर दिखा दो तकी कम से कम ये कमेंट के माध्यम से ही हाँ पाकिस्तान वाले भाई थर लगे आपका जल्दी से एक बार कमेंट करके दिखा दो फटाफट एकदम चलिए तो फिलहाल हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपको लेकर के हम क्वेश्चंस की दुनिया में है ना बहुत अच्छी बात है रवि कुमार दिलखुश कुमार अंकित राज ब्यूटी यादव बहुत बढ़िया कौन है डेविल के बहुत अच्छी बात है सावन श्रवण कुमार सॉरी संजीव चंदन नीरज सुजीत बहुत बढ़िया प्रेमराज राहुल चले तो एक बार हम चाहते हैं सेशन को सभी लोग शेयर भी करिए और यही दस फॉर्मुलेज पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही कह सकते हैं क्वेश्चन शानदार शानदार हम करने वाले हैं आपको हम एक झलक क्वेश्चंस का आप कहो तो दिखा देते हैं ठीक है एक झलक हम क्वेश्चंस का आप सभी को दिखा देते हैं किस किस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा देखो यहां पर सीजीएल प्री उन्नीस का ये जरूर सवाल है लेकिन धीरे धीरे आपको खींचते खींचते हम लेके चलेंगे हैवी हैवी क्वेश्चन देखो 2002 में हमारा एंट्री हो गई और अगर लास्ट में आपको हम दिखा दे अगर लास्ट में आप सभी को हम दिखा दे तो देख लो ये क्वेश्चन ये सीडीएस एग्जाम मेंस 2022 का पूछा हुआ आपका है तो 2022 तक सवाल जो है आप सभी को हम कराने वाले हैं आप ध्यान रखिएगा है ना और बहुत ही शानदार और जानदार सवाल देखो सी डी एस मैं दो हजार बाईस का क्वेश्चन आपका है सीजीएल मैं दो हजार बाईस में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह का हर सवाल आपको हम कराने वाले हैं जैसे देखो ये भी आपको सिखाने वाले हैं कि पांच के पावर एक हजार पच्चीस रहेगा बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपको इसमें कितने अंक हैं वो भी आपको माध्यम से सिखाने वाले हैं बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा चलो तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर देखो भाई पंद्रह अगस्त मैराथन क्लास आपका आइए और ये हमारा टाइप वन है और टाइप वन का पहला क्वेश्चन है आप सारे विद्यार्थियों के सामने देखो लॉग टू की वैल्यूज दे रखा है लॉग सेवन की वैल्यूज दे रखा है और लॉग टू पॉइंट एट टू देश का मान आपसे क्या करता है पूछता है कहोगे सर पर बाबू इसको दे दिया जाएगा क्लासेस के बाद पीडीएफ मिलेगा ठीक है लॉग टू का मान जो है इतना और लॉग सेवन का मान दे रखा है तो लॉग टू और लॉग सेवन की वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब पक्का इन दोनों का यूज यहां पर इस सवाल में होने वाला है तो बताइए मान किसका निकालना है तो आप कहोगे सर लॉग 2.8 का मान निकालना है तो सबसे पहले आप सारे विद्यार्थियों को आप सारे विद्यार्थियों को 2.8 को तोड़ना है 2.8 को तोड़ना है तो एक बात बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप अट्ठाइस बटा दस लिखते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं है। अब देखो अट्ठाईस को हम लिखेंगे दू का स्क्वायर चार सतह अट्ठाईस और बटा में दस हो जाएगा क्या इसको लिख सकते हैं टू पॉइंट एट के बदले हम इतना लिख सकते हैं अब आ जाओ सवाल हमसे यही पूछता है कि लॉग टू पॉइंट एट की वैल्यू बताओ यानी हमसे यही पूछा जा रहा है कि लॉग लॉग टू पॉइंट एट मतलब हो जाएगा दो का स्क्वायर गुणा सात और बटा दस का मान हमसे पूछा जा रहा है इसके जगह पर हमने लिख दिया तो बताइए अभी नियम हम लोग पढ़े थे ना कि लॉग में अगर संख्याएं गुणा रहे तो प्लस में टूटेगा और भाग में रहे तो माइनस में टूटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं देखो लॉग दो का स्क्वायर गुना लॉग सॉरी देखो ये गुणा में है तो प्लस में टूटेगा यानी प्लस में हो जाएगा लॉग सेवन और भाग है तो ये माइनस में टूटेगा आपका माइनस में हो जाएगा लॉग दस हो जाएगा क्लियर है दोस्त देखो, दोनों गुणा में है तो प्लस में टूटा और ये भाग में है तो इसको हम माइनस में तोड़ दिए अब आप बताओ आपको नियम क्या पता है कि अगर लॉग के साथ पावर हो पावर हो तो पावर पीछे गुणा में आ जाता है मतलब हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा लॉग टू और लॉग टू का मान सब लोग बता दो तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन है ठीक है बोलो लॉग सेवन की वैल्यू कितना है तो आप कहोगे सर जीरो पॉइंट एट फोर फाइव वन है और लॉग दस का मान कितना तो लॉग दस का मान एक होता है मैंने आपको बताया ठीक है ठीके? अब देख लो यहां पे सब लोग इन दोनों को हम जोड़ने वाले हैं तो आप सब लोग जोड़ लीजिए जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो पता है कितना हो जाएगा पॉइंट छ सौ दो हो जाएगा देखो छ सौ दू यानी एक जीरो और चाहे तो बैठा सकते हैं अब फिर इसको जोड़ना है तो जोड़िए ना पॉइंट एट फोर फाइव वन को जोड़ना है तो बताओ कितना जाएगा वन पांच और दो सात और चार और आठ छ चौदह यही हो हो जाएगा जाएगा ना ये वन वन पॉइंट फोर फोर सेवन में से एक जब घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा पॉइंट फोर फोर सेवन वन हो जाएगा कौन सा आंसर हुआ जी पॉइंट फोर फोर सेवन वन हो जाएगा आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या है यहां पर देखो जरा इसको मल्टीप्लाई किया तो 602 पर जीरो हो गया और 8451 हो गया तो जोड़ दिए तो 174 1.4 सही बात है और इसमें से एक जब घटेगा तो आंसर पॉइंट फोर फोर सेवन वन पॉइंट फोर फोर सेवन वन देखो चला यहां पर ऑप्शन नंबर ए को आप कर लो नहीं तो बी को आप कर लो और यहां पर वन के जगह पे आप जीरो लगा लो क्लियर है बात देखो ए अलग है ना चला देखो फोर फोर सेवन वन और यहां है फोर सेवन सेवन वन आपका है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी हमें कोई एक ऑप्शन सुधारना पड़ेगा हमने ऑप्शन नंबर बी को सुधार दिया यहां पर हमने जीरो कर दिया और कर दिया फोर फोर सेवन वन अब आप मिला लो दोनों आपका सेम मिल रहा है तो ये हमारा सवाल था और बहुत ही खूबसूरत सवाल था और इस पैटर्न का सवाल हमारा बन सकता है तो हम चाहते हैं एक बार आप सभी लोग आ, स्क्रीन शॉट ले लो या फिर अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हैं तो आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट एकदम सभी लोग चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा हमारा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है लॉग टू टू बेस टेन इतना तो कह रहे लॉग फाइव टू द बेस टेन का मान कितना होगा देखो मेरे दोस्त यहां पर हमें सिर्फ लॉग टू का मान दे रखा है और लॉग फाइव का मान पूछ रहा है तो एक बात बताओ फाइव को हम क्या लिख सकते हैं क्या हम टेन बाई टू लिख सकते हैं बोलो पांच के जगह पर हम दस बटा दू लिख सकते हैं बात बराबर है अब बेस में दस है तो दस हमने छोड़ दिया अब बताओ ये भाग में है ये किसमें है मेरे दोस्त भाग में तो लॉग का ही नियम कहता है कि माइनस में टूटे यानी लॉग दस है और माइनस का लॉग टू हो जाएगा सही बात है भाग में है तो माइनस में टूटता है मैंने आपको सिखाया है और बेस जो दस है वह वैसे ही आपका रह जाएगा अब चलिए आप सब लोग बताइए लॉग ऑफ टेन की वैल्यूज कितना वन लॉग दस का मान एक और बोलो लॉग टू का मान यहां सवाल में दे रखा है कितना जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन अब बोलिए वन में से यदि इसको हम घटाएंगे तो क्या हम पॉइंट सिक्स नाइन नाइन आंसर नहीं करेंगे पॉइंट सिक्स नाइन नाइन ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा आपका है ना जोश किसी भी स्थिति में घटना नहीं चाहिए जोश जुनून जो घट गया समझो यार जिंदा लाश बन गए बस शरीर में कोई ताकत नहीं है आपका है कि नहीं बात हाँ तो जिंदा लाश नहीं बनना है काम करना है चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आप सभी को समझ में आया होगा देखो हमारा यह बहुत ही कह सकते खूबसूरत सवाल है नेक्स्ट सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहता है बहुत ही खूबसूरत सवाल है आप सब लोग ध्यान दीजिए लॉग टू की वैल्यू दे रखा है एक्स लॉग थ्री की वैल्यू दे रखा है और लॉग फोर्टी फाइव का मान हमसे पूछता है तो एक बात बताओ सब लोग क्या हम पैंतालीस को ऐसे लिख सकते हैं क्या पांच और गुणा में नौ या फिर ऐसे करो देखो पैतालीस का मतलब होता है नब्बे और बटा में दो हो जाएगा सही बात है और नब्बे को हम क्या लिखेंगे देखो तीन का स्क्वायर नौ और गुणा दस नब्बे और बटा में दो देखो लॉग दो पर मान दिया है लॉग तीन प्रमान दिया है मतलब और तीन होना ही चाहिए एक्स्ट्रा में दस तो कोई दिक्कत नहीं है है क्योंकि लॉग का मान एक होता ठीक है थीके? तो पैंतालीस को हम लिख सकते हैं देखो तीन भी लिख दिए दो भी लिख दिए दस भी लिख दिए अब सुनिए क्वेश्चन हमसे यही पूछता है क्वेश्चन हमसे पूछता है कि लॉग पैंतालीस का मान क्या होगा तो पैंतालीस पर लिखिए देखो दोनों गुणा में है तो प्लस में टूटेगा है ना और दो भाग में है बटा में है, तो माइनस में टूटेगा लॉग का ये तो नियम है कि जो गुणा में रहे प्लस में टूटे तो लॉग इतना प्लस लॉग इतना माइनस जो भाग में रहे घटाओ माइनस टू आपका हो जाएगा अब देखो जी नियम क्या कहता है कि पावर जो है वो आ जाएगा गुणा में तो बोलो दो आ जाएगा गुणा में दो आ जाएगा गुणा में तो क्या बनेगा लॉग तीन अब बोलो लॉग तीन का मान कितना है वाई है y है बोलो लॉग दस का मान कितना एक एक और लॉग टू का मान कितना एक्स तो हमारा देखो तो आंसर हो गया टू वाई प्लस वन माइनस एक्स टू वाई प्लस वन माइनस एक्स ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो गया आपका अच्छा स्क्रीन जूम करना है हो चलो भाई स्क्रीन को जूम कर देते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन से कर देते हैं आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा देखो एक तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है आप देखो हमारा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर टू, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखो हमारा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये चीज हमें सीखना है। सारा टाइप वाइज चला आपको हम सिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देखो लॉग 2 प्लस 3 प्लस x से इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग एक्स का मान कितना होगा आपसे यही चीज क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है तो बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं ध्यान दीजिए यहां पर देखो यहां पर यह है लॉग 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 देखो इसका मतलब हो गया प्लस हो गया देखो यहां तो जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे लॉग 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 बटे बीच में साइन प्लस है ना लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग एक्स तो मैंने अभी नियम बताया है कि जब बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इन तीनों को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं यानी यहां पे हो जाएगा दो गुणा तीन गुणा में एक्स हो जाएगा क्लियर है बात अब देख लो सभी लोग यहां पर लॉग और ये लॉग क्या होगा खत्म हो जाएगा यानी बचेगा यहाँ फाइव प्लस एक्स और वहां बच गया मेरे दोस्त कितना सिक्स एक्स बच जाएगा कितना बच जाएगा मेरे दोस्त बोलो बच जाएगा आपका तो एक से जाके उधर घटेगा तो कितना फाइव एक्स और फाइव एक्स इक्वल टू फाइव तो बोलो एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा क्लियर है हाँ सुमन भाई बिल्कुल सही बात है अंकुश सर का चलाल मुसीबत में लड़ने के लिए तैयार है वाह आगे बढ़ते हैं भाई चलिए तो ये सवाल का सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं सभी लोग सीख पाए हैं देखो लोग का मैंने आप सभी को 10 के आसपास में रूल बताया है ये बीपीएससी में पूछा गया है 2002 में सवाल आपका ये है ना आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सारे विद्यार्थियों के सामने अगला सवाल सवाल में आप सभी लोग देख सकते हैं लॉग टू बेस टेन है और ये लॉग टेन बेस टू है आपको नहीं लग रहा है कि इसका ये इनवर्स है देखो मेरे दोस्त ये जो दिया है और पूछ रहा है आप देख लो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है देख लो एक दूसरे का इनवर्स है ये टू बेस टेन है और यहां टेन बेस टू है तो जब इसका ये इनवर्स है तो सीधी सी बात है आप इसका इनवर्स कर दो जैसे देखिए इसका मतलब कितना होगा इधर वाले जीरो को आप हटा भी सकते हो ये जीरो को आप खत्म कर सकते हो डेसिमल यहां पड़ गया मतलब उस जीरो का कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब हो गया कितना 301 और बटा में कितना हो गया हजार हो गया सही बात है ये तो इसका मान हो गया जो पूछ रहा है इसका इनवर्स है तो आपको नहीं लग रहा है आंसर भी इसका इनवर्स होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा हजार बटा तीन ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आपका सही बात है अरे इसका मान इतना है हमसे इसके इन भर्स का मान पूछ रहा है तो आंसर भी उलट जाएगा हजार ऊपर तीन सौ एक नीचे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं अगले सवाल पे चलते हैं देखो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना था इस क्वेश्चन में देखो हमारा ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा देखो एक तरफ लॉग है और दूसरे तरफ कांस्टेंट है कहो तो इसकी साइज थोड़ा और बढ़ा दे ताकि आपको प्रॉपर वे में दिख सके है ना देखिए एक तरफ लॉग है दूसरे तरफ कांस्टेंट है कहता है एक्स का मान कितना है तो देखो लॉग का सबसे पहला नियम हमने आपको पढ़ाया था कि लॉग किसका निकालना एक्स का तो एक्स को हम यहीं पर छोड़ देंगे एक्स को यहीं पर छोड़ देंगे और ये जो बेस में आठ है ना इसको हम उधर लेके जाएंगे ठीक है आठ को हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे और जो पहले से दो बटा तीन है वो पावर में चल जाएगा ये ये का रूल है 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 याद याद रखो ये सब चीज को याद रखना x लिख दिए और बेस में ना वो उस तरफ चला जाएगा और पहले से जो था वो पावर में चढ़ा जाएगा अब इसी का सॉल्यूशन करना है बोलो आठ को हम दो के पावर तीन लिख सकते हैं और पावर पहले से दो बटा तीन है तो तीन तीन कट गया अब बोलो दो का स्क्वायर चार हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा क्लियर है चलिए आप सभी लोग जल्दी से फटाफट जो है बताइए क्या आपको ये चीजें समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ कमेंट करके जल्दी से बताइए सभी लोग चलो अगले पे चलते हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छी बात है देखो हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है आप जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा ये हमारा सवाल कहता है ए की वैल्यू बताओ बड़ा सिंपल बात है देखो फोर 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 लॉ किसका है फोर का तो हमने फोर लिख दिया और इधर जो बेस में ए है ना वो उस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा और ये जो पावर में है बोलो पावर में पहले से कितना एक बड़ा दो वो चल जाएगा यहां पर देखो ये रूल है एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट तो फोर लिख दिए बेस जो है वो उधर जाएगा और पहले से जो मान था वो पावर पे चला जाएगा अब मेरी बात को सुनिए इधर पावर है एक बटा दो इसको जब इस तरफ लाएंगे इसको जब इस तरफ लाएंगे तो पता है पावर उलट जाता है दो हो जाएगा अगर इधर पावर एक बटा दो है तो इधर दो हो जाएगा अब आप ही बताओ चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह यही एक का मान हो जाएगा ले कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप इसको यहां पर किसी एक ऑप्शन को सही कर लो थोड़ा इरर है यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए में आप 16 बना लो क्लियर है ऑप्शन नंबर ए को हमने यहां पर 16 बना दिया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा हमारा अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या कहते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन थाउजेंड इक्वल टू माइनस वन बाई फोर तो एक्स की वैल्यू बताओ कितना है देखो एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट तो इधर हम एक्स ही छोड़ देंगे एक्स और ये जो दस हजार है ना उस तरफ जाएगा बेस जो है याद रखना बेस जो है वो उठ के उधर जाता है और पहले से जो मान रहेगा वो पावर में चल जाएगा माइनस वन बाई फोर अब देखो मेरे दोस्त दस हजार को हम क्या दस के पावर चार लिखेंगे और गुणा में देखो माइनस वन बाई फोर है तो फोर से फोर कट गया अब बोलो क्या हो गया दस के पावर माइनस वन और इसका मान होता है एक बेटा दस होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए हो जाएगा आपका ठीक है हाँ चलिए सब नोट करते हुए चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे सभी लोग कोशिश करिए पेन पेपर के साथ बैठिए और चीजों को आप नोट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट देखो भाई हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है सब लोग ध्यान दीजिए कहता है लॉग इतना बराबर टू तो एक्स का मान कितना हो कहोगे सर बेस तो यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो चेला हम आपको बता चुके हैं कि जब बेस कुछ नहीं दिखे तो वहां दस छुपा रहता है है ना दस क्या है छुपा स्तंभ है है ना यहां पर दस जो है वो आपका छुपा हुआ है क्लियर है बात अब देखो मेरी बात को यहां पर लॉग इतने का निकालना है तो इसको आप ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का फोर्टी फाइव ठीक है और ये जो बेस में दस है वो बराबर के इधर जाएगा और पहले से जो मान था वो पावर पे चढ़ जाएगा याद रखना यही काम हम करेंगे कब जब एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट हो तब अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखो x स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का सिक्स एक्स है और देखो सौ में से पैंतालीस घट गया चला तो यहां पचपन हो गया अब देखो यहां पर हमारा विचार है आप ऑप्शन से चेक करो क्या करो ऑप्शन चेक करो यहां पर ऑप्शन चेक करिए सबसे बढ़िया रहेगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से बेटर है आप ऑप्शन चेक करिए देखिए हम कौन सा ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर ए जरा रखो आप 10 रखो 10 का स्क्वायर 100 में से 60 घटेगा तो 55 नहीं मिलेगा ए नंबर छट गया आप बी नंबर ऑप्शन पे जाइए 11 रखिए 11 का स्क्वायर 121 और 11 छक 66 आप चाहे तो 121 एक में से 66 घटा के देख लो तो 11 में से 6 घटेगा 5 5 55 मिल गया आप जरा माइनस पांच भी रख के देखो तो माइनस पांच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस हो जाएगा और माइनस पांच रखेंगे तो प्लस का तीस हो जाएगा फिर पचपन मिल गया कि नहीं मिल गया यानी बी नंबर हमारा क्या है? सही है कौन कौन ग्यारह और माइनस पांच जब हमने यहां पर एक्स के जगह पर एल एच एस में ग्यारह रखा और माइनस पांच रखा तो पचपन पुर गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है आपका क्लियर है चलिए तो जल्दी से आप सारे विद्यार्थी इस चीज को नोट करिएगा सब लोग फटाफट फड़ एकदम सभी लोग नोट करिएगा हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें कुछ कर दिखाना है सही बात है हाँ चलो आगे बढ़ते हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा देखो अब ये क्वेश्चंस बैंक में पूछा गया है 2015 में आपका सारा 2022 तक हम क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे ध्यान देना भाई देखो देखो x की वैल्यू पूछा जा रहा है बेस में कुछ दिख रहा है? नहीं तो यहां पर हम टेन समझ बैठेंगे तो बोलो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो टेन उधर गया और पावर में हो गया यहां पे माइनस हो गया आपका सही बात है अरे देख लो यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब दस है तो इसको हम उस तरफ लेकर के चले जाएंगे हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ इरर है आप तीन जरा कर लो तो यहाँ पर तीन कर लो सुधार लो थोड़ा फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा आप यहाँ तीन कर लो अब बोलो x बराबर कितना हो जाएगा जी तीन के पावर तीन के पावर माइनस दो हो जाएगा ठीक है तो बोलिए तीन का स्क्वायर कितना नौ तीन का स्क्वायर नौ लेकिन पावर में तो माइनस वन रह गया तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा चला एक बटा नौ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त आपको यहां पर तीन क्या करना है बेस में लगा लेना छूटा हुआ है वहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बहुत ही खूबसूरत सवाल है भाई देखो log y बेस x इक्वल टू इतना है बोलो इसको क्या लिख सकते हैं y बराबर बेस में जो x है उधर जाएगा और पहले से जो मान है वो पावर पे चला जाएगा सही बात है यहां बताओ x बराबर कितना हो जाएगा तो बेस में जो दो है इधर जाएगा और पावर यहां दस हो जाएगा बोलो यहां से क्या मिला x बराबर दो के पावर दस आप इसमें बैठा दो x बराबर दो के पावर दस मिला यहां बैठा दो तो बोलिए कितना हो जाएगा एक्स के जगह पर रखेंगे दो के पावर दस एक्स पर रखेंगे दो के पावर दस और पहले से पावर बोलो कितना है एक सौ है एक सौ है तो पावर पावर गुणा हो जाता आपको यह बात पता होनी चाहिए तो पता है दो के पावर दस गुणा एक सौ कितना हो जाएगा एक हजार हो जाएगा यानी वाई की वैल्यू दो के पावर एक हजार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा आप नोट करिए सभी लोग जल्दी से है ना एक बार जो विद्यार्थी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक तो करना ही है सभी को है ना और शेयर भी सारे विद्यार्थियों के बीच आपके सारे मित्रों के बीच आपका होना चाहिए इसमें किसी भी तरह की कोई कनुषाई नहीं होना चाहिए हां चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मैं आप सबको बता दूं कि आपकी जो यहाँ पे संख्या है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा है ना क्योंकि हमारा सत्तर से अस्सी सवाल आपके मोटिवेशन से ही हमें भी हम भी कंप्लीट कर पाएंगे तो आप सब लोग बने रहिए और सेशन को शेयर वेयर करते रहिए देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सवाल है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कहते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बत्तीस इक्वल टू इतना है तो एक्स का मान कितना होगा आप हमें बताओ बड़ा इजीली आप सवाल को कर सकते हैं ध्यान दीजिए देखिए यहां पर तो हमने एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट तो हमने एक सी लगा दिया और ये बत्तीस चला गया उस तरफ और पावर में देखो कितना जीरो पॉइंट एट ठीक है अब चलो यहां पर बत्तीस को हम लिख सकते हैं दो के पावर पांच आप देख लो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो आप पांच बार गुणा करो इसका मान बत्तीस होता है तो बत्तीस को हम लिख सकते हैं दो के पावर पांच क्लियर है अब देखिए इसके बाद इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं आठ बटा दस लिख सकते हैं क्या आठ बटा दस लिख सकते हैं और आठ बटा दस को जब दो से काटिएगा तो चार बटा पांच हो जाएगा ये पांच से पांच खत्म और दो के पावर चार कितना सोलह और सोलह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा सोलह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे देखो हमारा ये क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिए आंसर क्या हो सकता है ठीक है देखो कहता है लॉग बी बेस ए इक्वल टू सी तो कह रहा है कौन सा सही होगा इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बोलो लॉग किस में लगा है बी में तो बी को हमने लिख दिया यहां पर ठीक है और ए जो है वो उधर जाएगा ए जो है वो उधर जाएगा ठीक है और पावर में जो सी है वो आपका यहां पे लिख देंगे ए जाएगा उधर और ये जो सी है ना वो पावर में चला जाएगा आपका ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आप देख लो कौन सा है बी इक्वल टू ए पावर सी बी इक्वल टू ए पावर सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चलो आगे बढ़ते हैं भाई ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाओ अगला सवाल देखो ये हमारा क्वेश्चन और कहता है एक्स की वैल्यू कितना है तो बड़ा सिंपल बात है देखो लॉग लॉग देखो ये दोनों में अलग अलग लग लगा है तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ऑफ और बेस ये दोनों में अलग अलग लॉग लगा है तो इतने के बदले हम ये लिख सकते हैं आठ पे लॉग लगा देंगे और बेस में दो कर देंगे अब बराबर एक्स है इसी को आगे बढ़ाओ इसी को आगे बढ़ाओ जो आएगा वही एक्स का मान हो जाएगा देखिए लॉग आठ को क्या हम दो का क्यूब लिख सकते हैं बोलो ये स्वर्ण लिख सकते हैं अब मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर पावर में हो तो पावर पीछे गुणा में आ जाता है यानी चल जाएगा पीछे गुणा में तो बचेगा क्या यहां पर लॉग ऑफ टू बेस टू ठीक है लॉग ऑफ बेस टू बेट अब बोलो ये दोनों सेम हो गया ना तो इसकी वैल्यू कितना वन और इंटू थ्री आंसर हमारा थ्री हो जाएगा आपका ये सारा रूल्स है जो आप सभी को ध्यान रखना है जब ये दोनों सेम होगा जब ये दोनों सेम होगा तो इसकी वैल्यू वन होगा लॉग का वैल्यू नंबर्स और बेस जब सेम होगा तो इसकी वैल्यू होगा वन और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर थ्री हो जाएगा हेलो 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 ये ध्यान रखना आप सभी को देखो बहुत लोग का चार आया है इतना ठोकेंगे ना चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर फरमाना देखो यहां पर बेस कितना है मेरे दोस्त चार है दिख रहा है ना आप सभी को बेस यहां पर आपको चार दिख रहा है और यहां पर बेस क्या दिख रहा है दो दिख रहा है ये दोनों बेस अलग अलग है ठीक है ये दोनों बेस यहां पर अलग अलग है अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा एक तो ऑप्शन का सारा ले सकते हैं अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं देखो यहां पर लॉग ऑफ एक्स 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 ठीक है और चार के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दो का स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है दो का स्क्वायर लिखेंगे और यहां पर आपका लॉग ऑफ एक्स बेस टू इक्वल टू सिक्स हो जाएगा एक बात बताओ बेस पावर में है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब बेस पावर में रहेगा तो गुणा में उल्टा उसका जाएगा मतलब मामला ये है कि दो के पावर यहां पर आप सभी को दो दिख रहा है सही बात है तो यहां जो पावर दो है ना वो गुणा में आ जाएगा वन बाई टू सही बात है और हमने आपको यह भी सिखाया है कि जो गुणा में रहेगा गुणा में जो रहेगा गुणा में जो रहेगा वो इसके पावर में जाता है तो अब आप बताओ सब लोग क्या इन दोनों का बेस सेम हो गया हो गया बीच में साइन क्या है प्लस है तो इसको हम गुणा में लिख देंगे यानी एक्स के पावर वन बाई टू एक्स के पावर वन बाई टू और गुणा में x के पावर वन क्वल टू सिक्स हो गया ठीक है अब देखो ये जो दो है ना वो उस तरफ जाएगा और पहले जो छे पावर में चल जाएगा, अब देखो दोनों का बराबर है बीच में साइन गुना पावर जुटेगा नहीं X के पावर हो जाएगा, पता है कितना हाफ और वन थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक है थ्री बाई टू हो जाएगा कहता है एक्स का मान कितना हो जाएगा तो ये है दो के पावर कितना छे पावर पावर है तीन बटा तो उधर पावर में जाएगा दो बटा तीन बोलो तीन से कट जाएगा दो बार में तो दो के पावर कितना है? दो दू ना चार दो के पावर चार डेट इज सिक्सटीन सोलह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह बातें समझ में आ चलिए बताओ बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त सवाल है एकदम कह सकते हैं जहर सवाल है भाई ये। है ना तगड़ा सवाल है जानते हैं इतना हमको मेहनत इसमें क्यों करना पड़ा क्योंकि ये दोनों का बेस सेम नहीं है सही बात है ये दोनों का बेस सेम नहीं है आप इन दोनों को सबसे पहले बेस सेम करिए तभी आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हो है ना चलो एक बार फिर से हम ये वाला लाइन आप सभी को समझा दे रहे हैं ये वाला लाइन में फिर से एक बार समझा दे रहा हूं ठीक है भाई सुन लीजिए गौर सभी लोग देखिए ये जो चार है ना यहां पे हम कर देंगे ऐसे दो का स्क्वायर क्लियर है बेस में जो चार है उसको दो का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था कि बेस अगर पावर में रहे ना तो गुणा में एक बटा दू जाता है बोलो पावर में दू है तो गुणा में एक बटा दू जाएगा तो गुणा में एक बटा दू भेज दिया तो सिर्फ यहां दो रह गया अब देखो लॉग के साथ गुणा में एक बटा दो है तो यहां से इसको हटा के हम एक्स के पावर में एक बटा दो ले जा सकते हैं अब देख लो बेस यहां भी दो बेस यहां भी दो बीच में साइन प्लस तो आपका क्या हो जाएगा लॉग प्लस है तो गुणा हो जाएगा यानी एक्स के पावर एक बटा दो और गुणा में एक्स ई वाला पावर वन अब बेस दो हो जाएगा अब बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं x के पावर हाफ और वन जब जुटेगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा और दो चल जाएगा उधर और इधर से दो के पावर छ हो जाएगा इधर पावर में तीन बटा दू है उसको भेजेंगे तो दो बड़ा तीन, हो जाएगा। तीन से दो बार में दो दूना चार दो के पावर चार कितना सोलह आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए दूसरा नंबर तरीके जानते हैं ऑप्शन से भी बहुत सारे विद्यार्थी चेक कर सकते हैं कहो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे तो आप यहां पर पुट कर लो और में पुट कर लो x इक्वल टू सिक्सटीन एक्स का मान आप 16 रख लो यहां पर तो x का मान जब वापस यहां पे हम 16 रखेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा log 16 बेस चार और फिर यहां पे हो जाएगा log 16 बेस में दो हो जाएगा ठीक है अब देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं चार का स्क्वायर और को हम लिख सकते हैं दो के पावर चार अब सुनिए ये जो पावर है ना वो पीछे गुणा में आ जाएगा तो जब गुणा में आएगा तो हो जाएगा 2 और ये दोनों सेम तो उसकी वैल्यू वन गुणा एक फिर देखिए ये जो पावर है वो पीछे गुणा में आएगा और लॉग टू बेस टू इसकी वैल्यू वन तो आप जोड़ के देख लो दो और चार छे, ये के बराबर पूरा कि नहीं पूरा के बराबर गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है बाकी एक्स के जगह पर कोई और ऑप्शन रखेंगे तो आर एच एस छ के बराबर नहीं पुरेगा आपका तो सेकंड मेथड हमारा ये हो सकता है ठीक है टेस्ट हमें छे मंथ्स का चाहिए नहीं चला छह मंथ्स का टेस्ट नहीं पॉसिबल है है ना वो आपका महीने महीने ही आपको देखने को मिलेगा आपका है ना तो चलो यहां पर शाम का टाइम हो गया है और हमारे नाश्ते का भी समय हो गया है तो समय का तो थो थोड़ा अभाव है तो मैं चाहता हूं कि पढ़ाते पढ़ाते जो है आपके सामने ही नाश्ता करते चले ठीक है थेका? हाँ आपको पढ़ा भी ले और हल्का फुल्का का कुछ कुछ नाश्ता भी हो जाए चलो भाई आगे बढ़ते हैं कहते हैं लॉग 125 सौ पच्चीस प्लस लॉग आठ इक्वल टू एक्स तो एक्स का मान कितना बड़ा सिंपल बात है ध्यान दीजिएगा देखो लॉग बीच में साइन प्लस है तो हमने आपको नियम क्या बताया जब बीच में साइन प्लस रहेगा तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 125 सौ पच्चीस गुणा में आठ हो जाएगा ठीक है बेस में कुछ नहीं मतलब क्या छुपा है दस छुपा हुआ है क्या छुपा हो भाई दस छुपा हुआ है चलो इसको आगे बढ़ाओ तो यहां पे 125 सौ पच्चीस गुना एक हजार हो गया और मैं आपको बता दू कि लॉग एक हजार की वैल्यू कितना होता है तीन होता है मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया थोड़ी देर पहले अभी एक हजार में कितने जीरो हैं? तीन जीरो तो रिजल्ट तीन होगा ध्यान रखना आप सभी को चलो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं आइए हमारे एंट्री जो है वो टाइप थ्री में हो चुकी है हमारे एंट्री टाइप थ्री में हो चुकी है हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं बहुत ही शानदार सवाल है देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर लॉग के साथ गुणा में कितना है मेरे दोस्त सात है ठीक है लॉग के साथ गुणा में कितना है सात है तो इसको हम पावर में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं बताइए सब लोग बोलिए जी अच्छा आप भी हैं ओ हो आपको भी खाना है चलो तो एज्यूम कर लो भाई कि आप भी खा लिए ठीक है वैसे अब गणित के विद्यार्थी हैं तो एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना हम्म देखो सात को हम पावर में लेके चल जाएंगे तो आपका हो जाएगा देखो लॉग लॉग सोलह बटा पंद्रह पावर सात ठीक है प्लस में लॉग गुणा में पांच है तो पावर में चल जाएगा आपका हो जाएगा पच्चीस बटा चौबीस का पावर में पांच हो जाएगा फिर देखिए तीन गुणा में है पावर में चल जाएगा यानी लॉग हो जाएगा इक्यासी बटा में अस्सी का पावर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है अब इसको आगे बढ़ाना है देखो लॉग आप बताइए सब लोग ध्यान देंगे यहां पर सारे लॉग के बीच में साइन प्लस है ना प्लस 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 तो सारे को गुणा करते हैं ये रूल है लॉग के बीच में साइन अगर प्लस हो तो हम इन सभी डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान देंगे सोलह को हम लिखेंगे दो के पावर चार देखो दो के पावर हो जाएगा चार अब पावर सात है तो चरसठ या 8 हो जाएगा थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करो पंद्रह का कर मतलब तो तीन गुणा पांच यानी हो जाएगा तीन के पावर सात और गुणा में पांच के पावर सात फिर देखो पच्चीस को लिखेंगे पांच का स्क्वायर पांच का स्क्वायर और पांच पहले से है तो ये हो जाएगा पांच दोना दस हो जाएगा ठीक है और 24 को हम क्या लिखेंगे देखो दो का क्यू और तीन के पावर एक नीचे 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं आठ चौबीस और पावर पांच है तो बोलिए दो के पावर कितना हो जाएगा पंद्रह और तीन के पावर पांच दो के पावर पंद्रह और तीन के पावर पांच इक्यासी देखो तीन के पावर चार होता है तीन के पावर चार और पावर पहले से तीन है तो चार ते बारह हो गया जहां तक अस्सी की बात है तो 80 को हम लिख सकते हैं दो के पावर चार और गुणा पांच के पावर एक 80 को लिख सकते हैं पावर तीन है तो पावर जब यहां पर तीन होगा तो दो के पावर कितना और के पावर हो जाएगा। दो के पावर बारह और पांच के पावर तीन हो जाएगा समझे तो ओवरऑल हमने इसे तोड़ दिया अब चलिए ऊपर नीचे इन सभी को आप काटिए सभी लोग तो देखो मेरे दोस्त नीचे में देखो दो के पावर पंद्रह यहां और दो के पावर बारह यहां तो नीचे में दो के पावर कितना हो गया पंद्रह बारह सत्ताईस यहां दो के पावर अट्ठाइस है तो सत्ताईस को नीचे पावर दू का और सत्ताईस को ऊपर पावर कट जाएगा तो सिर्फ दो के पावर एक रह जाएगा फिर देखो नीचे में तीन के पावर सात और तीन के पावर पांच यानी दोनों मिला के तीन के पावर बारह हुआ नीचे में तीन के पावर बारह ऊपर कट गया पांच के पावर सात नीचे और पांच के पावर तीन नीचे तो पांच के पावर सात और तीन दस ऊपर पांच के पावर दस से कट गया सही बात है अब देखिए यहां पर हो गया लॉग सिर्फ सब कटने के बाद सिर्फ दो रह गया यहां पर रहा है कि नहीं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त लॉग टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो बहुत ही कह सकते खतरनाक सवाल है आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लेंगे जल्दी से आप सभी को नोट करिएगा और एक बार सेशन को फैलाने का प्रयास करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये क्वेश्चन है आप सभी लोग नोट करिएगा सुनिए क्वेश्चन हमारा यही है टू लॉग इलेवन बाई थर्टीन प्लस टू लॉग इतना बटा इतना माइनस ये है अब इसी को सॉल्व करना है तो बड़ा सिंपल बात है यहां पे हमने लिख दिया लॉग और 11 बटा तेरह बोलो लॉग के साथ गुणा में दो था क्या ही? पावर में नहीं चल जाएगा चल जाएगा फिर देखो लॉग 130 और बटा में 33 सही बात है और गुणा में देखो लॉग के साथ गुणा में दो था तो पावर में चल जाएगा और माइनस यहां पर आप देख लीजिए सब लोग लॉग लॉग चार बटा नौ है ठीक है अब चलिए यहां पर देखिएगा लॉग बोलिए यहां पे है ग्यारह बटा तेरह का स्क्वायर इसका मतलब हो गया ग्यारह बटा तेरह गुणा ग्यारह बटा तेरह अब देखो ई लॉग के बीच में साइन प्लस है ये दो लॉग के बीच में साइन प्लस है तो गुणा होगा एक सौ तीस बटा तैतीस से कई बार है स्क्वायर मतलब दो बार है गुणा कर दिए ठीक है लेकिन यहां लॉग के बीच में साइन क्या है माइनस यानी चार बटा नौ से भाग होगा मेरी बात को सुनिए माइनस है तो लॉग का रूल कहता है कि चार बटा नौ से भाग होगा जब लॉग के बीच में साइन प्लस तो गुणा होता है और बीच में साइन माइनस तो भाग होता है चार बटा नौ से भाग होगा इसका मतलब उल्टा नौ बटा चार से गुणा होगा चार बटा नौ से भाग होगा इसका मतलब नौ बटा चार से गुणा होगा अब इन सभी को काटना है आंसर मिल जाएगा देखो ग्यारह से तीन बार में ये ग्यारह से तीन बार में और ये तेरह से दस बार में और ये तेरह से दस बार में क्लियर है देखो द, तीन ती ये, नौ से ये नौ खत्म हो गया ठीक है अब देख लो ये सौ है दस दें सौ है तो चार से कट जाएगा ये पच्चीस बार में क्लियर है यानी यहां पे हो गया लॉग पच्चीस सिर्फ बच गया पच्चीस को हम लिख सकते हैं पांच का स्क्वायर यानी लॉग फाइव स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं सभी को ये चीजें जो है बहुत ही शानदार लगा होगा ठीक है हाँ। चलिए जल्दी से इसको नोट करिएगा आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये हमारा क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का सवाल है सेम पैटर्न का सवाल है और इसका आंसर आप बहुत शानदार तरीके से कर भी सकते हो सही बात है बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो देखो यहां पर आपका हो जाएगा लॉग फाइव बाई एट का पावर हो जाएगा कितना टू हो जाएगा और प्लस में लॉग देख लो एक सौ अट्ठाईस का पावर कितना हो जाएगा एक सौ पच्चीस हो जाएगा और प्लस में लॉग फाइव बाई टू है जो लॉग के साथ दो गुणा में था पावर में चला गया अब आप बताइए जी यहां पर लॉग 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 के बीच में साइन प्लस तो डाटा गुना हो जाएगा बोलो पांच का स्क्वायर पच्चीस और आठ का स्क्वायर चौसठ गुना में एक सौ अट्ठाईस बटा एक सौ पच्चीस और गुणा में हो जाएगा पांच बटा दो देखो अब यहां पर काटिए अगर संभव है तो देखिए चौसठ से ही कट जा रहा है दो बार में पच्चीस पचे एक सौ पचीस ऊपर में एक सौ पचीस नीचे, एक नीचे दू दू क्या बचा? तो सीधे बच गया नो लॉग वन बच गया क्या बच गया सीधे वन बचा और मैं आपको बता दू लॉग वन की वैल्यू कितना होता है जीरो होता है मैंने थोड़ी में कराया लॉग वन की वैल्यू जीरो होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिला करती है समझ में आया बात हाँ लोग निंदा करें तो ऐसा नहीं कि आपको रास्ते बदल देना है आपको रुक जाना है कि लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बता दू कि लोग सफलता जो है वो शर्मिंदगी से नहीं शर्मिंदा नहीं होना है आप क्या कह सकते हैं हौसले से मिलते हैं है ना आजकल का यही हो गया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कह रहे हैं लोग से मतलब मत रखो है ना आप मेहनत करो जैसा हमारा ये सवाल है आप इजिली कर सकते हैं बोलो यहां बेस में तीन है तो प्रयास करिए यहां भी तीन बनाने का सही बात है तो देखो तो यहां पे नौ को हम तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या है बेस में पांच है तो कोशिश करिए यहां भी पांच बनाने का तो पच्चीस को हम पांच का स्क्वायर लिख सकते हैं फिर देख लो यहां पर लॉग आठ है बेस में दो है और यहां आठ है तो आठ को हम दो का क्यूब लिख सकते हैं सही बात है अब देखिएगा सब लोग अब सब लोग देखिए ये जो दो यहां पे दिख रहा है ना पावर में वो पीछे चल जाएगा घोड़ा में चल जाएगा ये जो दो आपको पावर में दिख रहा है ना वो पीछे घोड़ा में चल जाएगा पीछे दो घोड़ा में चल जाएगा अब बोलो ये दोनों सेम हो गया कि नहीं तो इसकी वैल्यू वन ये जो दो पावर में दिख रहा है वो पीछे गुणा में चल जाएगा फिर ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू वन ये तीन पावर में है वो पीछे गुणा में चल जाएगा और फिर ये दोनों सेम हो गया उसकी वैल्यू वन तो आप हमको बताइए दो प्लस दो चार प्लस तीन सात और सात हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्लियर है चलो बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट में कमेंट में आंसर सभी लोग को करना है देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर कहता है देखो बीच में प्लस है यहां पर यहां पर प्लस है कहता है एक्स का मान कितना होगा जानते हो चला यहां पर प्लस नहीं है यहां पर जानते हो गुणा है ये मिस्रिंट है थोड़ा यहां पर गुणा है प्लस नहीं हो सकता यहां पर प्लस होगा तो यह नियम कानून लगेगा नहीं यहां पे गुणा है अब देखो तो जरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लॉग एक्सप और बटा में लॉग के लॉग एक्स बटा लॉग के और गुणा में इसको तोड़िए तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लॉग के और बटा में लॉग फाइव ऐसे लिख सकते हैं क्यों नहीं इन दोनों पर चाहे तो हम अलग अलग लॉग लगा सकते हैं मैंने फॉर्मूले में बताया देखो ये क्रॉस कट जाएगा जब गुणा रहेगा तो और बराबर में इधर तीन है आपका अब देखो लॉग एक्स बटा लॉग पांच है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स और बटा में लोग पांच है तो बेस में पांच बना देंगे बराबर में तीन हो जाएगा सही बात है हैं अब कहता है कि बताओ यहां पर एक्स की वैल्यू कितना होगा तो सिंपल बात है एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कॉन्स्टेंट तो यहां हो गया एक्स और ये पांच जाएगा उस तरफ पांच जाएगा उस तरफ और तीन जो पहले है वो पावर पे चढ़ जाएगा बोलो पांच का क्यों एक्स पच्चीस हमारा आंसर कौन सा सी हो जाएगा तो थोड़ा सा आप सारे विद्यार्थियों को यहां पर चिन्ह क्या कर लगा देना है गुणा लगा देना है आपका क्लियर है चिन्ह यहां पर भाई गुणा कर देना है मैं एक बार फिर से कहू तो रिपीट कर देना देखो इन दोनों ये एक्स क्या है एक्स नंबर है और के बेस है तो मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया था कि लॉग एक्स बटा में लॉग के लिख सकते हैं इन दोनों पर चाहे तो अलग अलग लॉग लगा सकते हैं हमने लगाया यहां भी के बटा पांच किया क्रॉस कट गया अब देखो इतना बटा इतना है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस फाइव इतना बटा इतना को ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू थ्री है तो एक्स इक्वल टू वट ये पांच जाएगा उस तरफ और तीन जो है वो पावर में चला जाएगा तो एक्स का मान पांच के पावर तीन बोले तो एक सौ पच्चीस हो जाएगा आपका ठीक है चलो आ जाओ अगले सवाल पर नेक्स्ट पर देखो भाई हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा सब लोग ए की वैल्यू इतना है बी की वैल्यू इतना है सी की वैल्यू इतना है तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा यही हमारा सवाल है तो देख लो बाबू ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है है? तो ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है हमें जोड़ने को बोल रहा है आप बताइए लॉग को हम जोड़ेंगे लॉग को हम जोड़ेंगे तो बीच में चिन्ह क्या होगा प्लस बीच में चिन्ह क्या होगा प्लस और मैं आपको बता दूं देखो इसका मतलब ही ना हो गया लॉग टू बाई थ्री बी की वैल्यू लॉग थ्री बाई फाइव और सी की वैल्यू लॉग फाइव बाई टू लॉग 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 एबीसी का अब तो log के बीच में साइन प्लस है तो क्या गुणा होगा यानी हो जाएगा दो बटा तीन गुणा तीन बटा पांच गुणा और पांच बटा दो हो जाएगा अब देखो जितना हो सके इसको काटिए तीन से तीन खत्म पांच से पांच खत्म और ये दो से दो खत्म क्या बच गया सिर्फ यहां पर बच गया कुछ नहीं मतलब वन बचा और बोलो लॉग वन की वैल्यू जीरो होता है लॉग वन की वैल्यू जीरो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्लियर है अरुण कुमार पाल प्रिया ठाकुर दिलखुश बहुत अच्छी बात है कुंदन स्टडी चलो बहुत अच्छी बात है ग्यारह वाले बैच में कहां तक पहुंच गए हैं देखो हमें याद तो नहीं है चला है ना राजा कुमार बहुत अच्छी बात है एक बार सेशन को शेयर करिए सभी लोग है ना और सेशन को लाइक करना एकदम कंपलसरी है लाइक करो शेयर करो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपका है ना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा आपका है ना आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है कहता है इसकी वैल्यूज कितना होगा इसकी वैल्यूज कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है बड़ा इजी वे में कर सकते हो देखो और बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत ही टॉप मोस्ट सवाल है टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा टॉप मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा देखो यहां पर बेस ए है तो आप बताओ इस वन के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लॉग ऑफ ए बेस ए इस वन के जगह पर वन को हटा देंगे और वन के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं? दोनों बेस और वैल्यू दोनों सेम है यहां बेस बी है तो इस वन के जगह पे हम चाहे तो ऑफ टू द बेस बी लिख सकते हैं यहां पर बेस में सी है तो इसके जगह पर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी बेस सी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको है ना ए हमने लिख दिया अब देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर देखो बेस दोनों का सेम है यहां भी ए यहां भी ए बीच में साइन प्लस लॉग लॉग बीच में साइन प्लस तो हम बताए थे आपको गुणा कर देते हैं देखो हो जाएगा वन बाई वन बाई लॉग गुणा करिए ए गुणा बी सी यानी यहां पर ए बी सी हो जाएगा और बेस हो जाएगा ए फिर यहां पर देखो लॉग है लॉग है बीच में साइन प्लस है तो गुणा होगा बी गुणा ए सी करेंगे तो एबीसी हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा लॉग ए बी सी और बेस में बी हो जाएगा फिर यहां पे आ जाओ आप लॉग है लॉग है, है बीच में साइन प्लस है तो यहां पर हम कर देंगे लॉग एबीसी ए बी सी और बेस में सी हो जाएगा आपका ठीक है अब देखो मैंने आपको इनवर्स रूल ऑफ लॉग बताया था आपको याद होगा इनवर्स रूल ऑफ लॉग इनवर्स रूल ऑफ लॉग मैंने कहा था देखो नीचे में लॉग है ना ये ऊपर में चला जाएगा इनवर्स रूल लगेगा तो ऊपर में चल जाएगा लेकिन याद रखना ये दोनों का पोजिशन बदल जाता है मतलब ए लिखेंगे यहां और बेस का काम करेगा ए बी सी प्लस फिर ये उलट जाएगा तो जाएगा लॉग बी और बेस में हो जाएगा यहां पर ए बी सी फिर ये उलट जाएगा तो आपका हो जाएगा लॉग सी और बेस में हो जाएगा ए बी सी ठीक है अब सुन लो बेस सब जगह बराबर हो गया ना ए बी सी ए बी सी ए बी सी बेस सबका बराबर हो गया बीच में साइन प्लस बीच में साइन प्लस तो इसको हम लिख देंगे प्लस रहता है तो गुड़ा में यानी ए बी सी ए बी सी गुड़ा में और बेस पहले से यहां पर एबीसी है अब बोलो ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू कितना वन ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी को समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा ठीक है चलो जल्दी छाप लो सब लोग चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम देखो बेस में ए है तो इस वन के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि लॉग ए बेस ए अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू वन होता है ठीक है देखो यहां बेस में क्या है बी है बी है तो इस वन के जगह पे हम चाहे तो लॉग बी और बेस बी को हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं वन के जगह पर दोनों सेम तो मान वन ही होता है वो बेस में सी है तो हम लॉग सी बेस सी इसके जगह पे लिख सकते हैं है ना इसके जगह पे लॉग ए बेस a लॉग ए बेस ए लॉग बी बेस बी लॉग सी बेस सी आपका आप देखो लॉग लॉग और बीच में साइन प्लस है तो नियम क्या कहता है कि ये गुणा होता है जब बीच में साइन प्लस तो गुणा हो जाता है यानी ए और बी सी गुणा होगा तो ए बी सी हो जाएगा और बेस जो ए है वो रह जाएगा उसी प्रकार यहां बीच में प्लस है तो बी और एसी गुणा होगा तो ए बी सी बेस में बी और वैसे ही गुणा होगा तो ए बी सी और बेस में सी हो गया अब देखिए यहां पर यहां पर लॉग का इनवर्स रूल हमने आपको कराया था देखो नीचे में लॉग नहीं दिख रहा वन बाई लॉग तो लॉग ऊपर जब जाएगा तो ई दोनों का जगह आपस में बदल जाएगा यानी ए ऊपर और एबीसी नीचे बी ऊपर एबीसी नीचे सी ऊपर एबीसी नीचे वही हमने लिख दिया अब बीच में फिर साइन प्लस है बोलो बेस बराबर है एबीसी 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 बीच में साइन क्या है प्लस है प्लस है तो नियम क्या है लॉग का कि लॉग के बीच में साइन प्लस है तो हम गुणा में लिखते हैं तो गुणा करो ए को गुणा करो बी को गुणा करो सी को गुणा करो तो एबीसी बन गया और बेस में पहले से ए बी सी है ना तो क्या हो गया लॉग एबीसी बेस एबीसी और ये दोनों क्या हो गया बराबर और जब ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यूज कितना होता है वन होता है क्लियर है और इस कश्यप सर जिलेबी बांट दे के तेरी जिलेबी बट गया सुबह ही <laughs> जलेबी सुबह ही बट गया भाई बहुत सारा जलेबी बटा देखो सवाल कहता है यहां पे A square upon BC plus log ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है आपसे ये पूछा गया है है ना चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए इसका नियम क्या बोलो लॉग 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 के बीच में साइन प्लस है तो क्या हम इन सबको गुणा कर देंगे कर देंगे देखो बोलो यहां पर ए स्क्वायर बाई बी सी है यहां पर क्या है मेरे दोस्त बी स्क्वायर बाई ए सी है और यहां पे क्या है सी स्क्वायर बाई ए बी है तो हमने इन सभी को गुणा कर दिया क्योंकि लॉ के बीच में साइन प्लस है आपका ठीक है चलो इसके बाद देखिएगा ए स्क्वायर ए दो नीचे दो ठो खत्म स्क्वायर दो ठो b ऊपर दो ठो b नीचे खत्म स्क्वायर दो ठो c ऊपर c² में दो c और दो ठो c नीचे कट गया अब बताओ यहां पर क्या बचा कुछ बचा क्या नहीं मतलब एक बचा है और मैं आपको बता दूं log एक की वैल्यू जीरो होता है log 1 की वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त 0 होता है इसका आंसर हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी लोग ध्यान दीजिए देखिए दो लॉग के बीच में साइन प्लस है दो लॉग के बीच में साइन प्लस है तो क्या इसको हम गुणा में लिखेंगे लिखेंगे देखो ए बाई बी इंटू में बी बाई ए ठीक है और इक्वल टू लॉग ए प्लस बी आपका है ए प्लस बी है देखो बीच में साइन प्लस है तो लॉग ए बाई बी इन लॉग बी बाई ए इक्वल टू लॉग ए प्लस बी है अब देखो मेरे दोस्त इधर का लॉग और इधर का लॉग कट गया ए से बी से बी कटा इधर वन हो गया तो कहने का मतलब वन इक्वल टू हो गया ए प्लस बी वन इक्वल टू ए प्लस बी मिला हमको इधर वन मिला और उधर ए प्लस बी मिला अब देखो यही चीजें कहां पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या ए बराबर बोलो A बराबर क्या होगा वन माइनस बी वन माइनस बी देखो है कि नहीं है तो बी को आप इस तरह भेज दो ऑप्शन नंबर बी यहां पर मिल जाएगा आपका मैच कर जाएगा चलो भाई ध्यान देंगे सब लोग सब लोग मैं आपको जानकारी दे दूं कि एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पर, पर आज रात 12 बजे तक पचास परसेंट जो है डिस्काउंट मिल रहा है आपका आज रात बारह बजे तक पचास परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा और कूपन कोड है हमारा अंकुश फाइव जीरो जैसे ही क्लासेज आपका एंड हो जिसको जो बैच चाहिए मैथ्स का बैच जो है पार्टवाइज भी है अर्थमेटिक एडवांस नंबर सिस्टम डीआई अलग अलग सब है या फिर कॉम्बो भी है भी है, लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी आपका है तो जो भी बैच आपको चाहिए कंप्लीट मैथ्स अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फी है 1250 है कंप्लीट मैथ्स लाइव लेकिन अभी आपको 50 परसेंट ऑफ सिर्फ 625 में पूरा गणित मिल जा रहा है पूरा गणित अगर हम रिकॉर्डेड कंप्लीट मैथ्स की बात करें तो नौ सौ निन्यानवे लेकिन आज आप रात बारह बजे तक खरीदते हो तो सीधे इसका आधा हो जाएगा पांच सौ आपका हो जाएगा सीधे आधा हो जाएगा आपका कंप्लीट मैथ्स का और किसी का एडवांस कमजोर है तो उनके लिए अलग है एडवांस जैसे देखो एडवांस मैथ अगर किसी का वीक है तो पूरा डिटेल में जो है फाउंडेशन एडवांस पढ़ाया गया जिसकी फी है पांच सौ रुपए लेकिन यदि आप आज रात बारह बजे तक खरीदते हो तो यह कोर्स आपको केवल और केवल ढाई सौ में आपको मिल जाएगा समझ में आ रहा बात मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे तो आज ही जो है रिकॉर्डेड नया बैच लगा है आज ही रीजनिंग का रिकॉर्डेड जिसकी प्राइस है तीन सौ रुपए लेकिन अगर आज आप खरीद पाते हो खरीदते हो बारह बजे रात से पहले तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ डेढ़ सौ रुपए में आपका अगर कोई विद्यार्थी लूसेंट का क्लास लेना चाहते हैं लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तीन से चार महीने में पूरे लूसेंट को याद करना चाहते हैं तो लूसेंट की फी जो है वो आपका दो सौ रुपए अप्लीकेशन पर है लेकिन आज यदि आप परचेज करते हो तो केवल सौ रुपये में आपको मिल जाएगा ठीक है और मैं आपको बता दूं कि ये जो लुसेंट की क्लास है चला वो आपका कल 16 अगस्त से शुरू हो रहा है कल 16 अगस्त से आपका लाइव शुरू हो रहा है टाइमिंग जो आपका है उसका तीन बज करके तीस पीएम पर आपका है साढ़े तीन बजे आपका है कंप्लीट लूसेंट आज रात बारह बजे तक परचेज कर सकते हो सिर्फ 100 और 100 में आपका तो क्लासेस के बाद जाना है और जल्दी से फटाफट फोन कर करके अपने सारे मित्रों को बता भी देना है आपका ठीक है <coughs> याद रखना अप्लीकेशन पर 50 परसेंट का डिस्काउंट तभी मिल पाएगा जब आप ये कूपन कोड अंकुश फिफ्टी आप लगाइएगा एन के यू एस एच फाइव जीरो आपका ठीक है तो सभी लोग जरूर जुड़िए और अपने सारे मित्रों को भी जोड़िए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे <coughs> देखो हमारा ये क्वेश्चन है भाई और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का मर्डर आप बहुत आसानी से कर सकते देखो बीच में साइन प्लस है प्लस है प्लस है तो मैंने आपको नियम क्या बताया कि जब लॉग के बीच में साइन प्लस है तो लॉग का जो डाटा है वो गुणा हो जाता है सीधे तीन और गुणा चार हो जाएगा यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त लॉग बारह हो जाएगा मार दो बी नंबर को सट से आपका अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये देख लो हमारा अगला सवाल क्या कहता है देखो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है लॉग लॉग सोलह है जी और बीच में साइन माइनस है तो जब चिन्ह माइनस रहे तो इसको भाग में लिखते हैं यानी सोलह भागा दू हो जाएगा तो बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं लॉग आठ दो से कट जाएगा आठ बार में लॉग आठ हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर अगला सवाल ये क्या कहता है देखिए यहां पर आप बताओ जरा लॉग के साथ गुणा में तीन है तो पावर में चल जाएगा यानी दो के पावर तीन हो जाएगा लॉग के साथ गुणा में दो है पावर में चल जाएगा यानी लॉग हो जाएगा तीन के पावर दो फिर यहां पे हो जाएगा लॉग फाइव हो जाएगा आप देख लो जरा आप बोलिए जी प्लस साइन है ना बीच में प्लस साइन है तो मैंने आपको क्या सिखाया जब लॉग के बीच में साइन प्लस हो तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं बोलिए दो का क्यूब आठ गुणा तीन का स्क्वायर नौ और गुणा पांच बोलो आठवा में बहत्तर पचे तीन सौ साठ यानी लॉग थ्री सिक्सटी जो है हमारा आंसर हो जाएगा पढ़ाई करो नहीं तो थ्री सिक्सटी डिग्री पर नचा नचा के मारेंगे बता रहे हैं हम है ना थ्री डिग्री का मतलब क्या होता है गोल 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 है ना एक रोटेशन जो है एक रोटेशन एंगल जो होता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री के बराबर होता है है ना हाँ चलो आगे बढ़ते हैं चलिए एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करो जल्दी से सेशन को शेयर भी करना है दबा करके ठीक है बाकी आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम <coughs> देखो ये हमारा क्वेश्चन है और इस सवाल को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान देखो यहीं पर इसको हम खत्म कर देते हैं देखो ये जो लॉक के साथ जो गुणा में दो है ना वो दो यहां से हटेगा और ये पावर पे चल जाएगा ये तो नियम है के साथ जो गुणा में दो है वो हटेगा और सात के पावर में चल जाएगा अब बोलो लॉग के बीच में साइन प्लस तो गुणा में लिखेंगे और माइनस तो भाग में लिखेंगे तो देखो लिखो लॉग देखो इन दोनों लॉग के बीच में साइन प्लस है तो गुणा में लिखेंगे देखो दू गुणा और पांच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस फिर सुनिए ये दोनों लॉग के बीच में साइन क्या है माइनस तो भाग में लिखेंगे देखो तीन को लिखेंगे भाग में बटा में और सात का स्क्वायर उनचास को भी लिखेंगे हम बटा में तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा लॉग पच्चीस दूना पचास और उनचास का तीन गुणा हो जाएगा एक सौ सैतालीस हो जाएगा अब देखो ये जहां पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं पढ़ाई करो बाबू गप मत करो है ना नहीं तो कुछ ठोकने का सुविधा यहां से होता तो हम ठोक देते बता रहे हैं है ना <laughs> है? आइए यहां पर देखते हैं सभी लोग ध्यान देंगे आ, लोग के साथ गुड़ा में पांच है तो ये पांच हटेगा और पांच ऊपर चढ़ेगा ठीक है पांच यहां से हटेगा और तीन के ऊपर चढ़ेगा आपका अब देख लो यहां पर भाई क्या होगा यहां पर देखो लॉग लॉग और तीन के पावर पांच तो तीन तीय नौ तीय सत्ताईस तीय इक्यासी का तीन गुणा दो सौ तैतालीस होता है ठीक है तो टू फोर्टी थ्री हो गया तीन के पावर पांच अब माइनस है तो इसको भाग में लिखे कितना नौ 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 से इसको काट दो नौ दो नौ अठारह और नौ सतह तिरसठ आपका यानी आंसर हमारा हो जाएगा लॉग सत्ताइस हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिए बोलिए देखो सीजीएल प्री 2000 का क्वेश्चन है ये लॉग के साथ जो घोड़ा में दोहे ना यहां से हटाओ और दो को आप पावर में लेकर के जाओ सही बात है अब बोलिए यहां पे हमने लिख दिया लॉग पचहत्तर और बटा में लिख दिया सोलह देखो यहां साइन माइनस है तो माइनस है तो पांच का स्क्वायर पच्चीस और नौ का स्क्वायर इक्यासी पच्चीस बटा इक्यासी से भाग पड़ेगा सही बात है देखो पच्चीस और नौ का स्क्सा से भाग पड़ेगा माइनस है इसलिए पच्चीस बटा इक्यासी से भाग पड़ेगा इसका मतलब से गुणा होगा पच्चीस बटा इक्यासी से भाग होगा इसका मतलब इक्यासी बटा पच्चीस से गुणा होगा फिर प्लस है तो फिर गुणा होगा कितना बत्तीस है और बटा दो सौ तैतालीस होगा अब चलिए इसको हम काट लेते हैं सब लोग ध्यान दीजिए देखिए सोलह से कटेगा दो बार में इक्यासी से कटेगा ये तीन बार में और पच्चीस ये पचहत्तर से पचहत्तर खत्म सिर्फ बचा क्या दो तो लॉग टू हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ठीक है चलो किसी को कोई डाउट है देखो चला ऑनलाइन जो है न्यू बैच आ चुका है मेरे भाई ऑनलाइन न्यू बैच जो है वो आ चुका है लेटेस्ट बैच है कुछ क्लासेज हो चुका उसका वीडियो जो है वो देख लेंगे टाइमिंग जो है वो हमारा दस बजे दिन में आपका है ठीक है हाँ ये कंप्लीट जो है 1250 का कोर्स है आपका कंप्लीट मैथ्स लेकिन आज रात 12 बजे तक आप परचेज करोगे जो ऑफर का लास्ट डेट है आपको 50 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और 625 में ही कोर्स को परचेज कर पाएंगे ठीक है तो आज ही आपको परचेज करना है अदरवाइज कल से 1250 सो लगेगा आप डिटेल इंफॉर्मेशन जो है कॉन्टेक्ट नंबर में दे रहा हूं बेरासी बावन तेरह संतानवे अठारह यह है हमारा और दूसरा है नाइन थ्री जीरो फोर नाइन थ्री फाइव जीरो एट जीरो आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं समझ में आ रहा बात ये आपको हेल्पलाइन नंबर है किसी भी तरह की परेशानी हो कुछ चीज ना समझ बुझा है तो आप इस पर फोन कर सकते हैं अब गणित समझने के लिए फोन मत करना है ना हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल का टॉपिक देखो सीजीएल देखो ये सीजीएल का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो सीजीएल तो में भी सवाल इस पर कभी कभी देखने को मिलता है आपको ये सीखना ये भी आपको एक नंबर दे के जाएगा समझ में आया चलो ये क्वेश्चन है हमारा अब बताओ ये जो लॉग के साथ गुणा में एक बटा तीन है ना वो यहां से हटेगा और पावर में चल जाएगा एक बटा तीन ठीक है ये जो लॉग के साथ गुणा में दो है वो हटेगा और पावर में चल जाएगा दो है ना तो अब जरा बताओ सब लोग लॉग पावर वन बाई थ्री का मतलब होता है क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट कितना होगा मेरे दोस्त पांच हो जाएगा आपका ठीक है बीच में साइन माइनस है माइनस है तो इसको हम भाग में लिखेंगे चार का स्क्वायर कितना सोलह ठीक है और फिर प्लस है तो गुड़ा में लिखेंगे कितना बत्तीस बोलो सोलह से दो बार में कटेगा तो हो जाएगा लॉग कितना दस और लॉग दस की वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा लॉग दस की वैल्यू कितना हो जाएगा, जाएगा. वन हो, हो जाएगा आपका ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सारे विद्यार्थियों के सामने आइए ये सवाल क्या कहता है तो आप बताइए लॉग के बीच में साइन प्लस है तो फटाफट गुणा कर दो तीन बटा पांच गुणा पांच बटा, बटा छत्तीस और गुणा में बारह देखो ये पांच से पांच कट गया और तीन बारह छत्तीस से छत्तीस कट गया सिर्फ एक बचा पूरा कटने के बाद तो लॉग एक की वैल्यू जीरो होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा पेन पेपर के साथ बैठिए सब लोग है ना हां तो आंसर हमारा इसका क्या हो गया जीरो हो गया आपका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई सब लोग ध्यान देंगे देखिए लॉग के साथ कितना है गुड़ा में फोर है और लॉग के साथ गुड़ा में यहां क्या है टू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है देखो लॉग लॉग फाइव के पावर फोर जो गुणा में है पावर में जाता है और प्लस में हो जाएगा लॉग फोर के पावर टू आप बोलिए जी पांच के पावर चार तो कितना हो जाएगा छह सौ पच्चीस हो जाएगा आपका ठीक है और चार का स्क्वायर कितना हो गया सोलह हो गया अब देखो छह सौ पच्चीस गुना सोलह जानते हो दस हजार होता है कितना होता है दस हजार यानी लोग दस हजार की वैल्यू दस हजार में कितने जीरो चार जीरो तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आपका आंसर हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त चार हो जाएगा आपका है ना चलो आगे बढ़ते हैं देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या कहता है देखो लॉग लॉग और यहां लिख देंगे हम नौ बटा चौदह बीच में प्लस है तो घोड़ा कर देंगे पैंतीस बटा में चौबीस हो गया बीच में माइनस है तो भाग पंद्रह बटा सोलह भागा करना है पंद्रह बटा सोलह मतलब गुणा हो जाएगा सोलह बटा पंद्रह ठीक है अब चलो इसको काट दो यहां पर सब लोग सारे लोग काटिए देखिए तीन से कटेगा पांच पांच से कटेगा सॉरी देखो पांच से कटेगा ये तीन बार में और पांच से कटेगा सात बार में सात से कटेगा ये दो बार में और तीन से कटेगा तीन बार में और तीन से कटेगा ये आठ बार में और सोलह से सोलह खत्म सिर्फ एक आप बोलो कुछ नहीं मतलब एक बची और लॉग वन की वैल्यू जीरो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये हमारा क्वेश्चन है और बड़ा सरल सवाल है लॉग चार हजार बोलिए बीच में साइन माइनस है तो हम भाग में लिखते हैं ना जी चार हजार और भागा चार तो बोलिए कितना हो जाएगा चार हजार बटा चार एक हजार आ, एक हजार में तीन जीरो है तो लॉग एक हजार का मान तीन हो जाएगा तीन जीरो है तो आंसर तीन हो जाएगा हमारा ठीक है हाँ चलो अगले क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़ा फास्ट फास्ट करना है आप एकदम पूरे जोश के साथ तैयार रहो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर भी जरूर करेंगे ठीक है हाँ सेशन को शेयर जरूर करना है सभी को देखो यहां पर है हाफ लॉग के साथ गुणा में हाफ है तो हाफ को अब पावर में भेज दो दो गुणा में है दो को पावर में भेजो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा लॉग 25 का पावर हाफ पावर एक बटा दो का है स्क्वायर रूट होता है तो 25 का स्क्वायर रूट पांच हो जाएगा क्लियर है अब देखो यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस मतलब भाग होता है तीन का स्क्वायर नौ no. अब प्लस का मतलब गुणा होता है कितना अट्ठारह ठीक है देखो ये पच्चीस का वर्गमूल पांच भागा तीन का स्क्वायर नौ और गुणा अठारह देखो नौ से कट गया दो बार में तो ये हो गया लॉग कितना दस और लॉग दस की वैल्यू बोलो कितना होता है वन ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आपका क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा सभी लोग एकदम सब लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को समझिए और सट से लिख भी लेना है देखो लॉग चार बीच में प्लस है तो गुणा कर देंगे पांच से और माइनस है तो दो से भाग करेंगे अब आप ही बताओ ये बीस बटा दो दस हो गया और लॉग दस की वैल्यू वन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ठीक है चलिए हमारा ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए लॉग के साथ गुणा में दो है तो ये पावर में चल जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा लॉग पांच का स्क्वायर पच्चीस और प्लस है तो गुणा में आठ और माइनस है तो भाग में दो दो से कट जाएगा चार बार में अब बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा लॉग पच्चीस चौके एक सौ एक सौ में दो जीरो है तो आंसर इसका दो हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सारे विद्यार्थियों के सामने आइएगा ये सवाल क्या कहता है देखो दो लॉ के बीच में साइन प्लस है लॉ के बीच में साइन प्लस है तो गुणा होगा यानी एक्स गुणा वाई हो जाएगा उधर आपका क्या दिया हुआ है चला लॉग एक्स प्लस वाई है देखो ये लॉग लॉग क्या हो गया कट गया यानी आपको क्या मिल गया इधर इधर मिल गया एक्स वाई बराबर प्लस वाई देखो ऑप्शन में वाई बराबर समथिंग दिया हुआ है तो ऐसा करे ना ऐसा करिए देखो यहां पर वाई को इधर लाओ वाई को आप इधर लाओ और वाई को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा यहां एक्स और वाई को इधर लाके कॉमन किया माइनस वन बराबर एक्स तो आप हमको बताइए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एक्स बटा में और एक्स माइनस वन देखो वाई इक्वल टू वाट तो एक्स और ये जो एक्स माइनस वन गुणा में है ना वो भाग में आ जाएगा तो एक्स बटा एक्स माइनस वन ये वाई की वैल्यू हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा दोस्त एक्स बटा एक्स माइनस वन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका क्लियर है आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं ध्यान दीजिएगा सब लोग ये हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो आप बताइए ये वन बाई लॉग है तो हमें यहां पर क्या करना है पता है हमें यहां पर इनवर्स करना है हमें यहां पर इनवर्स रूल लगाना है लॉग का आप देख सकते हैं वन बाई लॉग है तो आप इनवर्स कर लो लॉग नीचे में है ऊपर चला जाएगा लॉग चल जाएगा ऊपर लेकिन याद रखना ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा मतलब तीन चढ़ जाएगा ऊपर और साठ कहां आ जा जाएगा बोलो नीचे इसी प्रकार ये भी लॉग कहाँ जाएगा ऊपर और चार चढ़ जाएगा ऊपर और साठ आ जाएगा नीचे इसी प्रकार ये लॉग कहाँ जाएगा ऊपर और दो कहाँ चढ़ जाएगा ऊपर और साठ कहाँ आ जाएगा नीचे क्लियर है अब देखो इन लॉग के बीच में साइन क्या है प्लस है लॉग के बीच में साइन क्या है प्लस है और बेस देखो बराबर है लॉग में जितना नियम हमने कराया है ऑलमोस्ट सारे सारे जो नियम है वो तब लग पाएगा जब बेस सब में क्या होता है सेम होता है अगर बेस सब में सेम नहीं रहेगा तो आपको सेम करना पड़ेगा ठीक है तो देखो बेस सब में सेम है सिक्सटी सिक्सटी बीच में साइन प्लस है तो गुणा कर दो देखो तीन गोड़ा चार गोड़ा दो और बेस में कितना हो गया साठ हो गया ठीक है मेरे भाई बोलो अब तीन चौके बारह दुना चौबीस देखो एक जगह इरर यहां पर है यहां पर पांच लिख लो आप यहां पर ये यह इरर है क्या है क्वेश्चन में थोड़ा इरर है यहां पर आप पांच कर लो वहां पर दो नहीं होगा ठीक है तो यहां पर जब पांच करेंगे तो पांच ऊपर चल जाएगा आप बोलो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए तो तीन गुणा चार गुणा पांच हो जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा तीन चौके बारह पचे साठ यानी लॉग साठ और बेस में साठ हो गया बोलो ये दोनों बराबर तो इसकी वैल्यू कितना वन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्लियर है ललित भाई कमेंट बिल्कुल देख रहे हैं यार क्या हो गया हां इसमें साइन चेंज हो जाता है ना कौन किसमें साइन चेंज हो जाता है हुँ? मैंने जो बताया उसको आप ध्यान दीजिए वन बाई लॉग है तो लॉग जाएगा ऊपर अब कमेंट हमेशा थोड़ी ना पढ़ते रह जा सकता है पढ़ाएगा कौन बताइए आप ही चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर देखो फिर से हमारा ये क्वेश्चन आ गया आप सभी लोग ध्यान देंगे उसी पैटर्न का क्वेश्चन है फिर से आ गया वन बाई लॉग जैसे ही वन बाई लॉग दिख जाए नीचे में लॉग तो आपको इनवर्स कर देना है उसको उलट देना है लॉग फिर से कहां चल जाएगा ऊपर लेकिन याद रखना ये दोनों का जगह जो है आपस में बदल जाएगा यानी x आ जाएगा बेस में और बेस में जो पी बाई क्यू था ना वो चला जाएगा ऊपर पी बाई क्यू प्लस इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा लॉग क्यू बाई आर और बेस में हो जाएगा एक्स फिर यहां पे हो जाएगा लॉग आर बाई पी r/p और बेस हो जाएगा x अब बताओ बेस सब जगह बराबर है बीच में sin प्लस बीच में sin प्लस तो सब गुणा हो जाएगा देखो p/q q/r और गुणा r/p और जबकि बेस यहां पे क्या है x है अब देखो सब तो कट रहा है यहां पर जी q से q कट गया r से r कट गया p से p कट गया तो बताओ क्या हो गया यहां पे log 1 हो गया और बेस कितना है x है तो मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया है कि लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होता है मेरा दोस्त जीरो होता है लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होता है ठीक है हाँ रीजनिंग न्यू बैच तो आ ही चुका है ना देखो रीजनिंग न्यू बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आज ही आया है ठीक है तीन सौ इसकी फी है अगर आप परचेज करना चाहो तो आज रात 12 बजे तक केवल 150 में आप परचेज कर सकते हो 50 परसेंट डिस्काउंट के साथ एक सौ रुपए में कम्पलीट रीजनिंग आप सभी को मिल जाएगा ठीक है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर आप रीजनिंग की लाइव क्लास आप लेना चाहते हो तो लाइव की फी आपका फाइव है अगर आप आज रात बारह बजे तक लेते हो तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ढाई में आपको मिल जाएगा ठीक है बाकी लाइफ का जो टाइमिंग है वो 11 बजे दिन में है और बाकी डिटेल आप कॉल करके पता कर लो बस समय इतनी ही जानकारी है जो मैंने आपको दिया ठीक है एक बार कमेंट करके बताइए सभी को बातें समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में सारे विद्यार्थी पांच टाइप करेंगे क्योंकि देखो चला जब तक जो है ईमानदारी से पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन होगा नहीं सीधी सी बात है आपका है ना समय को आप समय दीजिएगा तभी जो है समय आपको समय देगा भविष्य में अभी आपको जो है समय का कद्र करना है चलो आगे बढ़ते हैं हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लो भाई ये आपका लॉगरिथम में क्या आ गया ट्रिगोनोमेट्री आ गया बट सवाल को इजीली कर सकते हो थोड़ा मोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यहां पर है देखो लॉग टेन 10 डिग्री लॉग टेन 20 डिग्री लॉग टेन 30 डिग्री सब जगह प्लस है तो बताइए जब प्लस है तो क्या इसको हम गुणा नहीं कर लेंगे लॉग देखो गुणा में क्या आएगा तो टेन दस डिग्री गुणा सॉरी लॉग नहीं टेन टेन बीस डिग्री और गुना में आपका लॉग नहीं टेन टेन तीस डिग्री इंटू में टेन चालीस डिग्री इंटू टेन पचास डिग्री इंटू टेन साठ डिग्री इंटू टेन सत्तर डिग्री इंटू टेन अस्सी डिग्री शायद 80 तक ही है तो आगे नहीं बढ़ना है इसके बाद अब टेन अस्सी डिग्री आपका देखो सारे लॉग के बीच में साइन प्लस था तो हमें कंसेप्ट यही पता है कि लॉग के बीच में जब चिन्ह प्लस हो तो हम सबको गुणा में लिखते हैं तो लॉग लिख दिए और बाकी जिसका भी लॉग है टेन दस का है टेन ट्वेंटी का है टेन थर्टी का उन सबको हम घुड़ा में कर दिए अब देखो थोड़ा मोड़ा यहां पर ट्रीगोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है आप सबको पता होनी चाहिए यहां पर ध्यान देंगे मैं आपको बता दू कि आपको पता होनी चाहिए कि टेन इंटू टेन बी इक्वल टू वन होता है टेन ए इंटू टेन बी क्या होता है मेरा दोस्त वन होता है जब कोण को जोड़ने पर नब्बे डिग्री आएगा जब कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तो याद रखना tan ए और tan बी का जो गुणनफल होगा उसका मान हमेशा एक होता है यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है देख लो यहां पर आप 10 डिग्री और 80 डिग्री देखो जोड़ ले 10 डिग्री और 80 डिग्री जोड़ लो नब्बे हो रहा है तो याद रखना tan 10, 10 और tan 80 का गुणनफल एक होगा ठीक है फिर देख लो यहां पर 20 डिग्री और 70 डिग्री 90 हो रहा है तो इसका ईमान एक होगा और 30 डिग्री 60 डिग्री 90 तो इसका ईमान एक और 40 50 चालीस तो इसका ईमान एक इसका मतलब हो गया लॉग एक गुना एक गुना एक गुना एक ठीक है अब बोलो आप ही बताओ लॉग वन की वैल्यू कितना होता है जीरो यानी सवाल का आंसर हमारा ए हो जाएगा आपका क्लियर है आया जी चलिए नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जल्दी से ट्रीमेट्रिकल जो आपको कॉन्सेप्ट बताए उसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा बहुत सारे त्रिकोणमिति में भी सवाल इस पर देखने को मिलता है देखो भाई अब ये क्वेश्चन है याद करिए एक तरीके हमने आपको पढ़ाया था लॉग ऑफ ए टू बेस कितना मान होता है वन होता है जब ये दोनों बराबर तो वैल्यू वन होता है तो हमारा प्रयास है इन दोनों को बराबर कर देना अब कैसे होगा आप ध्यान से सुनो देखो लॉग एक बटा उनचास है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सात के पावर माइनस दो। देखो यहां होगा सात के पावर दू जब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा यानी पावर माइनस दो हो जाएगा देखो बेस कितना हो गया सात हो गया ठीक है बोलिए पावर पीछे आ जाएगा गुणा में माइनस टू आ गया गुणा में तो बचा क्या बचा लोग बेस सात देखो दोनों बराबर हो गया क्या और जब ये दोनों बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू कितना होता है वन होता है वन होता है यानी ये माइनस टू और इसकी वैल्यू वन तो बोलो इसका आंसर कितना माइनस टू होगा कि नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी यही तो बात है सिर्फ चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं देख ये हमारा क्वेश्चन है लॉग और बेस में यहां पर कितना है चला फाइव है क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे पांच के पावर माइनस चार लिख सकते हैं क्या देखो 625 जो है वो पांच के पावर चार है देखो यहां बेस में पांच है तो हम प्रयास करेंगे इसे भी पांच के पावर में ही लिखने का क्योंकि पांच के पावर में लिखेंगे तब तो ये दोनों सेम होगा तो अगर बेस में पांच है तो इसका मतलब होता है पांच के पावर चार नीचे में जब ये ऊपर जाएगा तो पांच के पावर माइनस चार होगा अब बोलिए पावर पीछे गुड़ा में आ जाएगा माइनस चार और यहां पर हो जाएगा लॉग फाइव बेस फाइव हो जाएगा ठीक है बोलो इसकी वैल्यू कितना वन तो वन इंटू माइनस फोर यानी माइनस फोर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एकदम एक्टिव रहना है सभी को चलो आगे बढ़ते हैं भाई ध्यान दीजिएगा सब लोग ये हमारा अगला क्वेश्चन है अब देखो ये सवाल है है बेस में दो है, तो हम यहां भी दो बनाने का प्रयास करेंगे देखो दो के पावर छे होता है क्या दोना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस दूना चौसठ दो को छह बार गुणा करो चौसठ तो चौसठ के जगह पे दो के पावर छ लिख देंगे और बेस में हमारा दो हो गया इसके बाद बोलिए ये जो पावर में छे है वो पीछे गुणा में आ जाएगा आ जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा लॉग टू बेस टू अब आप ही बताइए दोनों बराबर हो गया इसकी वैल्यू कितना वन तो सिक्स इंटू वन आंसर हमारा सिक्स हो जाएगा ये चीजें चलिए इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ सभी लोग सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा आप बताइए जी यहां पे रूट दो है एक बात बताओ सोलह का मतलब होता है 2 के पावर चार सही बात है आप बताओ रूट दो को दो को आप क्या लिख सकते हो रूट दो का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे दो मतलब क्या रूट दो का स्क्वायर अब पहले से पावर चार है तो दो चौके आठ हो जाएगा आपका यानी सोलह को दो के पावर चार लिख सकते हैं नहीं तो रूट दो के पावर आठ लिख सकते हैं तो बोलिए इसको हम क्या लिखेंगे log सोलह के जगह पे लिख देंगे रूट दो का पावर कितना आठ और बेस में कितना है रूट दो है रूट है देखो यही बेस को देखते हुए इसको हम रूट दो के पावर आठ लिखे हैं बोलिए आठ आ जाएगा गुणा में पावर गुणा में आ जाता है तो क्या बचेगा लॉग रूट टू और बेस रूट टू दोनों सेम है इसकी तो इसकी वैल्यू वन तो आठ को एक से गुणा करेंगे आंसर हमारा आठ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है आंसर करो सुशील कुंदन सुनील प्रिया रूपेश ललित गोलू बहुत अच्छी बात है सभी लोग कमेंट में आंसर करिए एकदम कह सकते हैं निर्जीव जैसा मत बन रही है समझ में आ रहा बात हाँ एकदम एक्टिव रहना है क्वेश्चंस दिखे पेन पेपर रखो और सट से अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो आंसर कमेंट में करो आप चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हर टाइप का वो सवाल मिल जाएगा आप थोड़ा इंतजार करिए हर तरफ का सवाल मिल जाएगा आपका देखो ये हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा देखो लॉग 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 नौ को हम लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर और बेस में सत्ताईस है उसको हम लिख सकते हैं तीन का क्यूब अब देखो हमने नियम पढ़ाया है कि ये जो नंबर अगर पावर में हो तो पावर पीछे गुणा में जाएगा दो है ना यहां पर पावर में तो दो गुणा में जाएगा अच्छा बेस का पावर कितना है बोलो तीन तो गुणा में जाता है एक बटा तीन याद है ना और बच क्या गया तो लॉग तीन अबे तीन बच गया बोलिए इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगा तो दो बड़ा तीन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है भाई हा अभय कुमार आंसर यहां पर सी नहीं होगा दोस्त ए होगा यहां पर आंसर ठीक है हाँ सीखो बढ़िया से देखो हमारा ये क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिए देखिये सबसे पहले बेस देखो दो रूट तीन है तो सत्रह सो अट्ठाईस को हम थोड़ा दो रूट तीन बेस में लिखे देखो सत्रह सो अट्ठाईस बारह का क्यूब होता है होता है बारह को हम लिख सकते हैं जानते हैं क्या दो रूट तीन का स्क्वायर आपका चाहे तो करके देख लीजिए देखिए दो का स्क्वायर चार रूट तीन का स्क्वायर तीन चार तीय बारह बारह को हम चाहे तो दो रूट तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं पहले से पावर तीन है तो तीन गुणा हो जाएगा तो बोलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा दो रूट तीन का पावर हो जाएगा। सही बात है आप देखो सत्रह सौ अट्ठाईस का मतलब हो जाएगा दो रूट तीन का पावर छ हो जाएगा सत्रह सौ अट्ठाईस का मतलब हो जाएगा दो रूट तीन का पावर छ हो जाएगा अब देख लो यहां पर सब लोग अब पर आप सारे विद्यार्थी देख लीजिए यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है लॉग लॉग और सत्रह सौ के जगह पे हम लिख सकते हैं दो रूट तीन का पावर कितना छ और बेस में कितना है बोलो दो रूट तीन है तो 6 को ला देंगे इधर गुणा में हम सही बात है पावर पीछे गुणा में आ जाता है और जब ये दोनों सेम हुआ तो उसका मान एक तो गुणा एक रिजल्ट हमारा छे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही बात है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे एंट्री हो गई टाइप फाइव में अब पांचवें टाइप के सवाल में हम पहुंच चुके हैं मैंने आपको थोड़ी कराया है ठीक है और कुल मिलाकर के हम चार टाइप का सवाल और वो भी एक दो दो सवाल नहीं मैंने लगभग एक एक टाइप में दस दस पंद्रह पंद्रह सवाल पर आपको रिवीजन कराया है ठीक है अभी हमारे एंट्री जो है वो पांचवे टाइप पर हो चुका है ठीक है तो आप सारे विद्यार्थी हमारे साथ बने रहिए और पेन पेपर के साथ बने रहो और आंसर कमेंट में करो आप आइए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो तो बड़ा सटीक सवाल है है ना और सीखना है आपको ये क्वेश्चंस को नहीं तो फसा देगा सवाल आपको देखिए log 10 log 10 इस तरीके से आपका देखिए जी आपको एक नियम याद होगा देखो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर एक्स एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट हो तो हमने सिखाया था कि ए बराबर इधर जो बेस है ना वो उस तरफ चला जाता है और पहले से जो मान एक्स रहता है वो पावर पे चढ़ जाता है आपको याद होगा सबसे शुरुआत में हमने आज इस चैप्टर में यही मैंने कराया है आपको कि देखो ए का लॉग है बेस बी पर इक्वल टू एक्स तो तो जानते हैं किसका लॉग निकालना है ए का तो हो जाएगा ए बराबर ए जो बेस रहेगा ना वो चल जाएगा इस तरफ और पहले से जो एक्स रहेगा वो पावर में चला जाएगा और देखो ये लॉग हट गया ई वाला लॉग हटेगा ए का लॉग ए के देखो बगल में लॉग है तो ई लॉग हट जाएगा और ए बराबर इतना हो जाएगा तो देखिए यहां पर ये वाला लॉग किसका है तो इतने सारे का लॉग है इसका लॉग है इसका लॉग है बेस दस पर कितना जीरो तो लॉ ये लॉ किसका है इसका है तो आप यहां से यहां तक सब लोग लिखी है देखो क्या हो जाएगा लॉग बेस्टेन और लॉग एक्स टेन देखो यहां से यहां तक लिख दिए ठीक है बराबर अब ये दस जो है ना वो उधर जाएगा इधर से जो मान था वो पावर पे चढ़ जाएगा ये वाला लॉग खत्म हो गया ये लॉग खत्म हो जाएगा अब चलिए इसके बाद हम फिर वापस चलेंगे फिर वापस चलेंगे बताओ इसकी वैल्यू कितना हो गया एनी नंबर पावर जीरो दस फिर उधर जाएगा ये वाला दस फिर उधर जाएगा और पहले से जो मान एक था वो पावर पे चला गया आपका ठीक है तो ये वाला लॉग खत्म हो जाएगा बारी बारी से एक एक लॉग को उड़ाते चलो यहां फिर यहां फिर यहां, फिर यहां एक तक हम पहुंच जाएंगे तो बताइए इसकी वैल्यू कितना हो गया दस फिर सुनो फिर अब ये वाला एक्स लिखेंगे एक्स लिखेंगे और ये जो दस है ना वो उधर जाएगा और पहले से दस है, पावर में चला जाएगा तो यही x का मान हो जाएगा 10 के पावर 10 अब देख लो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका क्लियर है <coughs> चलो भाई अरवल 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 की धरती से वाह बहुत अच्छी बात है अरवल से ही बहुत सारे विद्यार्थी है वन्यु आनंद है भाई बबलू देव सीन है बहुत बढ़िया आपका है ना अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े देखो थक तो नहीं ना गए आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ थके तो नहीं ना हो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी सब लोग फटाफट तब तक इस सवाल को हम खत्म कर लेते हैं आप समझना भी देखो ये हमारा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि पैंसठ हजार पांच छत्तीस है ठीक है और यह किसके बराबर होगा यह चीज हमें देखना है तो ऐसा करिए आपको बेस में क्या दिख रहा है सब जगह बेस में आपको दो दिख रहा है देखिए हर जगह बेस में आपको दो दिख रहा 65, है पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस है पैसठ हजार पांच सौ छत्तीस है और हर जगह बेस में दो दिख रहा है तो इसको आप दो फैक्टर में तोड़ो सुनिएगा देखिए दो से इसको कर दिए तो दो तीन छ हो गया और दो दूना चार दो सत चौदह दो छक बारह और दो अठे सोलह फिर इसको दो से जरा तोड़ो तो दो एकम दो दो छक बारह दो तीन छोलह दो चौके आठ फिर दो से आप तोड़ लो तो कितना हो जाएगा दो अठे सोलह दो एकम दोनों में अठारह और दो दुना चार फिर दो से तोड़िए दो छ के आठ जीरो दो छ का बारह और फिर दो से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बीस सौ अड़तालीस और फिर आप दो से कर लो तो दस सौ चौबीस हो जाएगा आपका आगे नहीं तोड़ना है क्योंकि दस सौ चौबीस का तो कम से कम आपको याद रखना है कि दो के पावर दस होता है दस सौ चौबीस मतलब आपको याद रखना है कि दो के पावर दस होता है होता है कि नहीं होता है अब देख लो गिन लो एक दो तीन चार पांच छ दो कह गो छे गो और इसका मतलब दो कह गो दस गो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका मतलब हो जाएगा दो के पावर सोलह हो जाएगा ठीक है ऐसे आप सभी को सीखना है है ना इसका मतलब हो जाएगा दो के पावर सोलह हो जाएगा अब मेरी बात को तो गौर से आप सारे विद्यार्थी सुनिएगा देखो लॉग लॉग टू फिर यहां पे लॉग बेस्टू फिर लॉग बेस्टू फिर लॉग बेस्टू और यहां पे हो गया दो के पावर सोलह हो गया ऐसे समझना है यहां पर इतना बड़ा हैवी डाटा दे दिया है तो ये तरीके से और 1024 तो कम से कम सारे विद्यार्थी को याद रखता है कि दो के पावर दस होता है तो दो इधर मिला छो और दस गो यहां यानी दो सोलह गो हो जाएगा अब इसके जगह पे लिख दिया बाकी देखो एक दो तीन चार लॉग लोग हमने लिख दिया अब चलिए इसका सोलूशन सीखिएगा सब लोग देखो ये लॉग ये पावर में है सोलह क्या तो देखो सोलह यहां से हटेगा और सोलह इस जगह पर आ जाएगा सही बात है देखो लॉग log टू लॉग टू, टू और सोलह यहां पे आएगा तो सोलह यहां पर जब आएगा तो सोलह को हम क्या लिख सकते हैं दो के पावर चार लिखेंगे क्या और ये देखो दोनों बराबर हो गया तो कट गया वन हो गया फिर देखो ये वाले चार को चार को हम यहां पे लाएंगे ठीक है तो बताओ क्या हो जाएगा लॉग टू लॉग टू और चार आएगा तो चार को हम क्या दो का स्क्वायर लिखेंगे हैं और ये लॉग टू बेस टू वन यहां पे वन हो गया कोई फर्क नहीं उससे नहीं पड़ेगा छोड़ देंगे फिर ये वाले दो को हम यहां पे लाएंगे है ना तो आप देखो यहां पे क्या हो जाएगा लॉग टू और बेस टू अब फिर ये दोनों खत्म हो गया अब बोलो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? वन दोनों समानता आंसर एक ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा देखो इतना हैवी सवाल है और इसका रिजल्ट क्या मिला सिर्फ एक मिला आपका ठीक है सुशील राज ऑफिशियल वाह ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है जिद है कुछ पाने का अभी भी संघर्ष जारी है लितरी तो सारी बन गया भाई है? है है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी को कोई समस्या आप सब लोग जरूर कमेंट करके बताओ हमें देखो भाई ये हमारा क्वेश्चन है बताइए इतना आप लिख लो सिर्फ ये वाला दो जाएगा उधर पहले से एक जो है वो पावर पे चला जाएगा ये लोग खत्म फिर सुनिए इसको उतारेंगे हम ये वाला तीन जाएगा उधर और पहले से दो है वो पावर पे चला जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या होगा नौ अब बोलो ये एक्स को उतारेंगे यहां पर हम ये दो जाएगा उधर और पहले से नौ है वो पावर में चल जाएगा ठीक है और दो के पावर नौ में आपको बता दू पांच सौ बारह होता है तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो ध्यान रखना एक साइड लॉग दूसरे तरफ जब कॉन्स्टेंट हो तो बेस को हम उधर लेके जाते हैं और जो पहले से मान रहा था वो पावर पे चला जाता है आपका ठीक है हाँ। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने देखो भाई थोड़ी देर देखिए यहां पे बीच में गुणा है तो सबको हम काट देंगे यहां पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लॉग ए बाई बी इसको लिख सकते हैं लॉग ए और बटा में लॉग बी लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर देखो लॉग बी और बटा में लॉग सी लिखेंगे फिर यहां पर देखो लॉग सी और बटा में लॉग ए लिखेंगे क्लियर है बात देखो लॉग ए बटा लॉग बी लॉग बी बटा लॉग सी और गुणा में लॉग सी बटा लॉग ए हो जाएगा लिख सकते हैं ऐसे ना मैंने क्या बोला कि इन दोनों में चाहे तो आप अलग अलग लॉग लगा सकते हैं हमने लगा दिया बीच में साइन गुणा है अब देखो कट गया इससे ये कट गया इससे ये कट गया इससे ये कट गया तो इसका रिजल्ट कितना वन हो गया कुछ नहीं मतलब सीधे वन बच गया आपका सही बात है चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ध्यान देना सब लोग ये हमारा क्वेश्चन है देखो लॉग ऑफ बेस टू और फिर लॉग बेस फाइव जरा ध्यान दीजिए बेस फाइव है ना तो क्या आप 625 के जगह पर आप पांच के पावर चार लिखना चाहोगे क्योंकि यदि आप 625 सौ के जगह पर पांच के पावर चार लिखेंगे और बोलो चार पावर है तो कहां आ जाएगा पीछे गुणा में आ जाएगा यानी आपका हो जाएगा लॉग चार चार आएगा ना गुणा में जिसको हम दो का स्क्वायर कर देंगे आई दोनों सेम तो इसकी वैल्यू वन गुना वन वन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका सेम हो जाएगा तो वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब बोलो इसके बाद ये जो दो है ना वो गुणा में चल जाएगा तो दो गुणा लॉग टू बेस टू हो जाएगा इसकी वैल्यू वन तो वन इंटू टू आंसर हमारा टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलो बहुत बढ़िया बड़े बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नंबर आप देख लो हमारा ये टाइप भाई चेंज हो गया और टाइप नंबर छ में हमारी एंट्री हो चुकी है पांच टाइप का सवाल हमने पढ़ लिया और अभी हर टवाल हर टाइप में लगभग पंद्रह पंद्रह बीस बीस सवाल हमने आपको अभ्यास कराया है है ना एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करिए और सेशन को लाइक भी आप सारे के सारे विद्यार्थी करिएगा ठीक है जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आओ ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या है देख लो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था देखो यही फॉर्मूला दस नंबर आखिरी वाला फॉर्मूला क्या है कि जब घातांक का बेस और ये पावर का बेस जब ये दोनों सेम रहेगा घातांक का बेस और लॉग का बेस तो इसका रिजल्ट सिर्फ यही होता है यही वाला आंसर हो जाता है यहां पर ठीक ना हाँ तो देखिए तो जरा सब लोग यहां पर देखो यहां पर लॉग का बेस कितना है तो पांच है और घातांक का बेस कितना है पच्चीस है क्या समान है क्या नहीं तो हम समान करेंगे आप ध्यान दो जरा यहां पर पच्चीस को हम लिख सकते हैं पांच का स्क्वायर पच्चीस को और इनटू में क्या है लॉग फोर बेस फाइव है ये चीजें अब देखो लॉग के साथ पांच दो गुणा में है लॉग के साथ गुणा में कितना है दो है तो लॉग के साथ जो गुणा में दो है वो पावर में चला जाएगा यानी हो जाएगा पांच के पावर देखो लॉग लॉग अरे दो जो गुणा में है वो पावर में जाएगा तो चार के पावर दो सोलह हो जाएगा सोलह और बेस पांच हो गया अब आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए घातांक का बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो गया क्या और जब ये दोनों सेम हो गया तो फॉर्मूला कहता है इसकी वैल्यू सोलह होगा जो यहां पे होगा तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका है। जल्दी से इस चीज को नोट करिए सभी लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा ये ये एक और जो है इसी तरह का सवाल है आप सब लोग इसका भी आंसर करने का प्रयास करिए देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन है बोलो इस सोलह को हम लिख सकते हैं चार का स्क्वायर और पहले से पावर कितना है तो पावर पहले से लॉग फोर सॉरी फोर तो बेस है ना और यहां पर फाइव बेस को थोड़ा नीचे लिखना है अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर दो जो लॉग के साथ गुणा में है वो पावर में चल जाएगा आपका तो बताइए क्या हो जाएगा लॉग और दो जाएगा पांच के पावर में तो पांच के पावर दो पच्चीस हो गया और बेस चार अब देख लो यहां पे सब लोग लॉग का बेस और घातांक का बेस बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में आंसर यही वाला होता है पच्चीस ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आपका ठीक है वाह बहुत बढ़िया सब लोग आंसर करिए सब लोग आंसर करिए कुछ विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं आप लोग भी एक्टिव कर एक्टिव रहिए आलसियों सब एक्टिव रहो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और नौ को हम लिख देंगे ऐसे तीन का स्क्वायर और घोड़ा में आपका हो जाएगा लॉग ऑफ फाइव और बेस में यहां पर थ्री हो जाएगा ठीक है बोलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं थ्री लॉग बोलिए लॉग के साथ जो घोड़ा में दू है वो पावर में जाएगा पावर में जाएगा लॉग के साथ जो गुणा में दू है वो कहां जाएगा पावर में जाएगा आपका अब देख लो आप सभी लोग ये दोनों सेम हो गया घातांक का बेस और लॉग का बेस तो आंसर हमारा यही हो जाएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा आपका क्लियर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका डन चले इसके बाद अब हमारे एंट्री जो है वो सात नंबर टाइप पे हो गई ठीक है ये सात नंबर टाइप में हमारे एंट्री हो गई भाई अब देखो ये हमारा आखिरी टाइप शुरू होने वाला है टाइप सेवन जो है हमारा ये आखिरी टाइप है इस सेशन का और बहुत ही कह सकते हैं तगड़ा तगड़ा सवाल इसमें आप सभी को देखने को मिलने वाला है बहुत ही तगड़ा सवाल आपको देखने को मिलने वाला है तो सो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं तैयार है इस टाइप को पढ़ने के लिए हम्म है चलो देखो भाई अब यहां पर थोड़ी लेवल की शुरुआत होती है ठीक है कितने विद्यार्थियों लेबल पढ़ने के लिए तैयार है एक बार कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी जीरो टाइप करके बताओ और एक बार सेशन को हो सके तो आप सारे विद्यार्थी शेयर भी करिए जल्दी से फटाफट चलो खा के नागिन डांस करना है भाई किसको नागिन डांस करना है नागिन डांस करोगे ना वहां सपेरा भेज देंगे हम अपना झोली में पैक कर लेगा बता रहे हैं हम चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा जैसे देखिए दस का स्क्वायर बताओ दस का स्क्वायर बताइए कितना है सौ है आपका सही बात है ना दस का स्क्वायर सौ है तो जैसे यहां पर कहता है कि दो के पावर त्रेपन में कितने अंक हैं? ऐसा कुछ यहां पर कह रखा है तो कहो सर इस सवाल को कैसे करेंगे दो के पावर त्रेपन का मतलब ऐसा थोड़े ना कि दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुना दो गुना डॉट डॉट हम त्रेपन बार गुणा करेंगे और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा खूब लंबा छोड़ा आपका इतना सारा उसमें गिनेंगे एक गो दो गो, तीन गो चार गो पच गो छो सात गो आठ गो गिनेंगे कुल कितने अंक है ऐसी तो कोई बात यहां पर नहीं है दो गुणा दो गुणा तिरपन बार गुणा करेंगे और कितना आएगा फिर उसमें अंक गिनेंगे इतना बताओ टाइम रहेगा और ना ही इतना आपका एग्जाम हॉल में हो पाएगा ना ही विद्यार्थी इतना जल्दी कर पाएगा तब सवाल को हम शॉर्ट वे में कैसे करेंगे ये चीज ध्यान रखना है देखो लॉगरिथम का जनरली जो है यूज इसी के लिए हुआ है लॉगरिथम बना इसी के लिए है, है भी पावर को सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम आपका बना है जैसे देखो यहां पर दो के पावर त्रेपन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहां पे लॉग लगा दिया ठीक है अब लॉग लगा दिया तो लॉग का ये रूल है कि जो पावर है त्रेपन वो पीछे गुणा में चल जाएगा ठीक है और इन हो जाएगा पता है क्या लॉग टू हो जाएगा ठीक है तिरपन आ जाएगा गुड़ा में और हो जाएगा लॉग टू अब देखो यहां पर त्रेपन लॉग टू का मान पता है कितना होता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन होता है क्या होता है मेरे दोस्त लॉग टू की वैल्यू होता है आ, जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन होता है कहोगे सर कैसे तो देखो ये चीज आप सभी को याद रखना है हो सके तो इस चीज को याद रखो देखो पहला ही सवाल में लॉग टू की वैल्यू आपको दिखाता जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन दिखाता कि नहीं दिखाता आज के पहला ही क्वेश्चन में तो ये चीज आप सभी को क्या करना है ध्यान रखना है समझ में आ रहा बात हाँ ये चीजें जो है आप सभी को ध्यान रखना है देखो हमारा क्वेश्चन ये दो के पावर त्रेपर में कितने अंक है अब क्या करो यहां पर सीधे सीधे आप यहां पर गुणा कर दो तो चलिए ना गुणा करते हैं तिरपन को गुणा करो आप तीन सौ से गुणा करो सीधे तो तिरपन को तीन से गुणा करो तो यहां पे हो जाएगा जीरो जीरो तिरपन को तीन से गुणा करो तो हो जाएगा कितना तीन तीय नौ और पांच तीय पंद्रह तिरपन को तीन से गुणा किया और सौ से गुणा दो जीरो बैठा दिए अब देखो यहां पर तीन अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा भाई तीन अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा यानी पंद्रह पॉइंट नौ हो जाएगा सही बात है पंद्रह पॉइंट नौ हो जाएगा और जब पंद्रह पॉइंट नौ जब हो जाएगा तो याद रखना आप सभी को आप सभी को इसमें अंकों की जो संख्या होगा वो एक आगे वाला हम देते हैं अंकों की संख्या जो है ना एक आगे वाला देते हैं जैसे आंसर यहां पे हमारा सोलह हो जाएगा आपका जैसे एक बात बताओ जैसे एक बात बताओ पंद्रह पॉइंट नाइन समथिंग आ गया आपका तो इसमें जो अंकों की संख्या होगा वो पंद्रह नहीं होगा अगला इंटीजर आपका होगा पॉइंट में जो आएगा उसका अगला इंटीजर यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त सोलह हो जाएगा आपका ठीक है जैसे आप देखो यहां पर कोई पूछेगा कि दस में कितना अंक है तो आपका जवाब होगा सर दस में तो दो अंक है दस में कितना अंक है? है दो अंक है ठीक है एक दो आप इसमें लॉग लगा लो तो लॉग लगाएंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा एक वैल्यू कितना मिला एक देखो इस संख्या में जब लॉग लगाए तो मान एक मिला तो आंसर हमेशा अगला इंटीजर होता है देखो एक मिला उसका अगला इंटीजर कितना दो यानी दस में अंक कितने हैं दो हैं ये सही है जैसे कोई पूछेगा कि सर एक हजार में कितने अंक है तो आपका जवाब होगा चार होगा देख लो एक दो तीन चार है कि नहीं बात लेकिन यदि इसमें आप लॉग लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आता है तीन आता है तीन आता है यानी लॉग लगाने से जो वैल्यू मिलेगा उसका अगला इंटीजर आपका राइट आंसर होगा लॉग लगाने से मान तीन मिला लेकिन उसमें अंकों की संख्या रियल में चार है लॉग लगाने से मान एक मिला लेकिन अंकों की संख्या उसमें क्या है दो है मतलब एक आगे का इंटीजर आपको आंसर मारना है तो इसमें लॉग लगाने से जो रिजल्ट मिला पंद्रह दशमलव नौ तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा अगला इंटीजर सोलह आपका हो जाएगा यानी कह सकते हैं दो के पावर तिरपन में कुल कितने अंक है सोलह अंक है समझ में आया एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग देखो मैंने एक बढ़ाने का कारण यहां पर मैंने आपको बताया है अब इस चीज को फिक्स कर लो कि ऐसा अगर कभी भी सवाल रहेगा पूछेगा कितने अंक है तो लॉग लगा देंगे और सीधे एक से बढ़ा के आंसर मारेंगे क्या करना है चला एक से बढ़ा के आंसर मारना है तो आप इस चीज को चाहे तो नोट कर लो यहां पर है ना एक बढ़ाकर एक बढ़ाकर आंसर करें एक बढ़ाकर आंसर करना है चलो अगले सवाल की ओर हमारा एंट्री होती है और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दो ठो और यहां पर सवाल रहा चलो इसमें से कोई एक हम करा दे रहे हैं आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए देखिए यहां पर पांच के पावर कितना दे रखा है दस सौ पच्चीस दे रखा है और क्वेश्चन कहता है कि इसमें कितने अंक हैं तो सिंपली इसमें आप लॉग लगा दो लॉग लगा दो सही बात है लॉग लगा दीजिए अब बताइए जी लॉग <coughs> देखो ये आ जाएगा पावर में दस सौ पचीस कहा आ जाएगा पावर में आ जाएगा दस सौ आ जाएगा पावर में और ये बच जाएगा पांच तो लॉग पांच का मान तो नहीं याद है तो पांच को हम 10 बटा दो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अब देख लो यहां पर दस और गुणा बोलो भाग में है तो इसको माइनस में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे लॉग और माइनस में लॉग टू लिखेंगे भाग में रहते तो माइनस में तोड़ते हैं अब देख लो दस सौ पचीस गुणा दस सौ पच्चीस गुणा ध्यान दीजिएगा सब लोग दस सौ को हम क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा दस सौ पच्चीस से हम यहां पर गुणा कर देंगे बोलो लॉग दस का मान एक और लॉग टू का मान जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन एक में से घटाइए तो तो पॉइंट हो जाएगा सिक्स नाइन नाइन हो जाएगा अब क्या करिए दस सौ पच्चीस को पॉइंट सिक्स नाइन नाइन से करिए सब लोग तो आएगा कितना सात सौ सोलह पॉइंट चार सात पांच आ रहा है आपका गुणा करिए इसको तो बताइए अगर अंकों की संख्या अगर आपसे कोई पूछ देगा तो जस्ट अगला इंटीजर 716 पॉइंट है तो आंसर कितना हो जाएगा 717 अंक हो जाएगा आपका क्लियर है बात तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा रूल यही है कि पावर जो है ना वो पीछे गुणा में चल जाता है लॉग पांच के जगह पे हम लिख सकते हैं दस बटाधू अब भाग में है तो माइनस में टूटेगा लॉग दस का मान पता है एक और इसका मान पता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो घटाएं तो ये मिला आप दस सौ पचीस से गुणा कीजिए आंसर हमेशा अगला पूर्णांक तो सोलह सात सौ सत्रह पांच को जब दस सौ पच्चीस बार गुणा करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कुल मिला के सात सौ सत्रह अंक होंगे तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा ये आप सारे विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहेगा सबको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बना के और कमेंट करके बताना है ठीक है हाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा देखो क्वेश्चन क्या करता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लो कहता है चौवन के पावर दस में कितने अंक है तो सिंपल बात है आप इसमें लॉग लगा लो लॉग लगा लो चौवन के पावर दस में कितने अंक है दस आ जाएगा गुणा में दस आ जाएगा गुड़ा में और देखो लॉग क्या हो जाएगा नौ छक चौवन सत्ताईस दुना चौवन तो चौवन को लिख सकते हैं तीन का क्यूब सत्ताईस और दुना चौवन देखो इसको लिखेंगे दस अब तीन आ जाएगा गुणा में तो देखो तीन लॉग तीन गुणा है तो प्लस में टूटेगा लॉग टू गुणा है तो प्लस में टूटेगा इसको अलग और दो को अलग तावर था गुणा में चल गया सुनिए सब मान यहां पर दे रखा है बोलो लॉग तीन का मान कितना दिया है तो कहोगे सर जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन दिया हुआ है सही बात है ना और लॉग टू का मान कितना दिया है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन दिया हुआ है अब देखो यहां पर आप सारे विद्यार्थी गुणा करिए तो सात इक्कीस का एक दो सात इक्कीस दो तेईस का तीन तेईस का तीन दो और चार तीया बारह और दो चौदह चौदह यानी यहां पर डेसिमल हो गया सही बात है और प्लस में हो गया जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन अब देखिए दस गुणा अब इन दोनों को जोड़ो तो एक दशमलव और चार सौ इकतीस को हम और तीन सौ एक को जोड़ देंगे तो सात सौ बत्तीस हो जाएगा अब बोलो इसमें जब दस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक अंक पहले राइट में भागे यानी सत्रह पॉइंट तीन दो हो जाएगा और सत्रह पॉइंट तीन दो आंसर अगला पूर्णांक सत्रह पॉइंट के बाद अगला पूर्णांक अठारह होता है यानी अठारह अंक हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्लियर है चलिए बहुत अच्छी बात है तो ये सब सीखा करो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आंसर हमारा देखो सत्रह पॉइंट समथिंग आया तो अंकों की संख्या अट्ठारह हो जाएगा आपका चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थियों के सामने अगला क्वेश्चन देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें तीन सवाल है पहला हमारा क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है और तीनों में अंकों की संख्या निकालना है ऑप्शन में सब दिया हुआ है है कि नहीं बात तो ये सवाल को मैंने आपको समझा दिया आप सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चंस का आंसर खुद से निकालेंगे ठीक है एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए आज पूरा कंप्लीट हम करके ही छोड़ेंगे इसको ठीक है चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं और ये देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो भाई और ये सीजीएल का पूछा हुआ सवाल आपका है आइए इस सवाल को करते हैं आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इस सवाल देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरफ लॉग है दूसरे तरफ कांस्टेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए देखिए देखो लॉग उन्नीस है तो क्या हम उन्नीस बराबर बराबर देखो जो दस है ना इधर बेस में उधर जाएगा दस उधर जाएगा और पावर में चला जाएगा आपका थ्री पॉइंट थ्री आपका देखो जब पॉइंट यहां बैठ गया तो इधर से ही जीरो का कोई अर्थ नहीं है तो उन्नीस सौ पंचानवे बराबर दस के पावर तीन दशमलव तीन हो जाएगा आपका सही बात है ये चीजें हो गया अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है इसका सॉल्यूशन करना है जरा आप सारे विद्यार्थी ध्यान दो इसका सॉल्यूशन करना है एक बात बताओ भाई इसका सॉल्यूशन हमें करना है इसको हम क्या लिख सकते हैं आप सब लोग बताइए देखो उन्नीस सौ आ देखो कै गो जीरो है कै अंक के पहले डेसिमल है एक दो तीन चार पांच छह अंक के पहले डेसिमल है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा बटा में दस के पावर छ और होल पावर हो जाएगा एक बटा आठ सही बात है देख लो जरा छह अंक के पहले और डेसिमल हटेगा तो नीचे में छो जीरो बैठेगा अब उन्नीस सौ पंचानवे का जो मान है यहां पर बैठा दो आप बैठा दो देखो यहां बैठाते हैं हम ध्यान दीजिएगा उन्नीस सौ पंचानवे की जगह बैठाते हैं दस के पावर तीन दशमलव तीन बैठाते हैं ठीक है और एक बटा आठ हो जाएगा आपका सही बात है तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ये ऊपर में वन रख दो आप देखिए अगर ये अगर ऊपर जाएगा तो थ्री पॉइंट देखो बेस बराबर भाग में पावर घटता है अगर इसको आप ऊपर लेके जाइएगा अगर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो थ्री पॉइंट थ्री में से छह घटेगा ठीक है और नहीं तो फिर अगर उसको नीचे लेके आइएगा तो घटेगा छ में से घटेगा तो चलिए सब जगह ऑप्शन में एक बट्टा एक बट्टा एक बट्टा एक बट्टा ऐसा दिख रहा है मतलब ये पावर तीन दशमलव तीन को हम नीचे लाएंगे तो नीचे लाएंगे तो छ में से इसका पावर घटेगा अब आप ही बताइए कि छ में से जब तीन दशमलव तीन घटेगा तो पता है कितना हो जाएगा मेरे दोस्त दो दशमलव सात हो जाएगा दो दशमलव सात हो जाएगा और पावर में कितना हो जाएगा बोलो वन बाई एट हो जाएगा वन बाई एट हो जाएगा सही बात है अब चलो हमें आंसर लिखना है देखो एक बटा दस के पावर अब देखो थोड़ा सा इधर साइड में दस के पावर दो दशमलव सात है अब पावर एक बटा आठ इसका मतलब क्या है यहां पर एक बटा आठ होगा तो आप इसे लिखोगे पावर में कितना देगा दस तो दस रह जाएगा दो पॉइंट सात में एक बेटा आठ से गुणा करेंगे अब आठ से इसमें भाग दो तो पता चल जाएगा कितना हमें लिखना चाहिए देखो टू पॉइंट सेवन में भाग देंगे बोलिए भाग देंगे भाग लगेगा।, लगेगा लगेगा बोलो नहीं लगेगा तो यहां पर आपका हो जाएगा सीधे पॉइंट अब भाग लगाइए आठ तीय चौबीस आठ तीय चौबीस और तीन पर जीरो तीस तो फिर आठ तीय चौबीस छ पर जीरो साठ तो आठ सतह छप्पन चार पर जीरो चालीस आठ पंचे चालीस यानी कह सकते हैं जब टू पॉइंट सेवन में आठ से भाग देंगे तो इतना मिलेगा टू पॉइंट सेवन में जब आठ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री थ्री सेवन फाइव और यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा आप देखो ये चीजें कहां पर अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है बहुत ही तगड़ा सवाल है ठीक है बहुत ही तगड़ा सवाल है आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दो देखो मैं इतना बता रहा हूं पूरे YouTube पर जो है पूरे YouTube पर इतनी डिटेल में लॉगिथम या फिर कह सकते हैं इतना ज्यादा जो है किसी सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कराया गया होगा आपका पूरे YouTube पर मैं बता रहा हूं इतना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो लॉगरिथम का इस चैप्टर का नहीं कराया गया होगा आप पूरी क्लास को आप पूरी डिटेल में पूरा समय देकर के पूरे शिद्धत से आप देखो लॉगरिथम का सारे कॉन्सेप्ट पर हमने सवाल का अभ्यास करा रखा है वो भी एक एक नहीं कई एक-एक सवाल आपका ठीक है तो इसका हम चाहते एक बार आप स्क्रीन ले लो सब लोग फटाफट जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा अगला सवाल है देखो भाई ये सी का क्वेश्चन है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सुनिए कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः बहुत लोग को लग रहा होगा सर ये तो ज्योमेट्री मैं का क्वेश्चन लग रहा है तो यही तो बात है सीडीएस मैं का है भाई वो भी ये एस एस सी सीजीएल से भी ऊपर लेवल का चीज होता है और इसके मेंस में पूछा गया है आपका तो तगड़ा क्वेश्चन तो होगा ही होगा आपका ठीक है लेकिन मैं इसको आसान बना के दिखा रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या सेमी पैरिमीटर निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं त्रिभुज का तो कंसेप्ट होना चाहिए अर्ध परिमाप तो आपको पता होगा अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजा को जोड़ के और दो से भाग करते हैं है ना तो जोड़ के हमने दो से क्या किया भाग कर दिया अब देखो जोड़ लो आठ छ चौदह का चार एक और तीन दो पांच एक छोटे सात हो जाएगा दो से भाग कर देंगे तो देखो सैंतीस हो गया आपका सही बात है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कर लो तो आपका सैंतीस हो गया कहता है इसका निकालने के लिए किन राशियों का लघु गणक निकालने की आवश्यकता होगी तो आप सारे विद्यार्थी एरिया निकालो आप बताइए त्रिभुज की तीन अलग अलग भुजा दिया हुआ रहता है तो क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकालते हैं

तो पता है अब कोई कहेगा कि इसका मान निकालो एरिया का मतलब क्या इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू एरिया का मतलब इसकी वैल्यू और वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए निकालने के लिए निकालने के लिए लॉग का यूज कर सकते हैं लॉज लॉग का यूज कर सकते हैं अब बोलो जब इसमें हम लॉग लगा देंगे अगर मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी इसमें लॉग लगा देगा तो लॉग जब लगा देगा तो स्क्वायर रूट मतलब पावर आधा होता है तो आधा आ जाएगा गुना में और फिर लॉग में हो जाएगा जानते क्या सैतीस गुना सात गुना नौ गुना इक्कीस तो सवाल यही तो करता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए किन राशियों में लॉग लगाने की आवश्यकता होगी तो यहां पर जो जो संख्या आप सभी को दिख रहा है कौन कौन दिख रहा है सैंतीस और सात और नौ और इक्कीस इसी चारों में लॉग लगाने की आवश्यकता होगी अगर इसको आगे सॉल्व करना है इसका एरिया निकालना है तो लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछ रहा हमसे पूछ रहा है किसमें लॉग लगाने की आवश्यकता हो होगी तो हमारा आंसर हो चुका है आप देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें सैंतीस सात नौ और अवेलेबल है तो सैंतीस सात नौ इक्कीस हमारा ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्लियर है चलो बहुत अच्छी बात है ये हुई ना बात देखो सीडीएस मेंस का सवाल जो है आपने एकदम कह सकते हैं आसानी से फतेह कर दिया आपका है नहीं बात आसानी से एकदम आपने फता कर दिया तब मेहनत करिएगा तो सवाल बनेगा ही चाहे वो किसी भी चीज का सवाल हो ठीक है चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या भाई सुनिएगा देखो लॉग कॉस्टीटा लॉग साइन थीटा लॉग टेन थीटा और सारे इसके बीच में क्या है प्लस है तो बताइए जब लॉग के बीच में प्लस साइन रहता है तो सबको गुणा करते हैं तो बोलो यहां पे कॉस थीटा गुना में साइन थीटा गुना में टेन थीटा गुना में कॉट थीटा गुना में सेक थीटा गुना में कॉसेक थीटा आपका सही बात है अब देख लो सब लोग कॉस इंटू सेक

वो उठा चुके हैं या अपने फ्रेंड से उठवा चुके हैं खुद उठा चुके हैं या उठवा चुके हैं ऑफर का लाभ क्योंकि आज ही हमारा ऑफर का आखिरी दिन है अभी एप्लीकेशन की हर कोर्सेज पर 50 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है आप कंप्लीट मैथ्स जो है पढ़ सकते हैं लाइव 1250 में ये फी है लेकिन आज रात 12 बजे तक आप एडमिशन लेते हो तो सिर्फ छह सौ आपको लगेगा और छो में पूरा गणित जो है जीरो हीरो आप पढ़ सकते हो ठीक है तो कितने विद्यार्थी एक बार ऑफर का लाभ उठा चुके एक बार हम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप सारे विद्यार्थी जीरो नहीं फिर तो हम समझ बैठेंगे इसका आंसर है आप सभी को जो है आपका सेवन टाइप करके बताना है जल्दी से हम चाहते हैं कितने विद्यार्थियों को फायदा इससे मिला एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग फटाफट जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हो बाकी बहुत सारे विद्यार्थी इसका फायदा उठा रहे हैं अभी तक एडमिशन धड़ाधड़ धड़ा धड़ धड़ाधड़ धड़, 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 हो रहा है आपका है ना तो एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग चलिए आइए ये हमारा क्वेश्चन है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा देखो भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन आइए ऑफर का लाइव कब से इसका मतलब क्या हो गया भाई चलिए बहुत अच्छी बात है सेवन 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 बहुत बढ़िया चलो अब हम सवाल करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग मान लीजिए वाई जेड एक सम्बाह त्रिभुज है जिसमें वाई सात सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है फिर कहते हैं लो, लोग ए पावर फोर बेस टेन इक्वल टू वट ये चीजें यहां पर है तो चलो ना करते हैं देखिए ये कौन सा त्रिभुज है तो आप कहोगे सर ये तो संबाह त्रिभुज है संबाह त्रिभुज है जिसमें एक्सवाई कितना है चला सेवन है तो सब भुजा सेवन ही तो होगा संभाहो त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होते हैं आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तो आप ए बता ही दो क्या होता है क्षेत्रफल संबाह त्रिभुज का रूट थ्री बाई फोर इंटू भूजा स्क्वायर भूजा सात है तो सात का स्क्वायर हो जाएगा यही हो जाएगा पता है ए का मान हो जाएगा यही ए का मान हो जाएगा अब देखो सवाल हमसे पूछता क्या है सवाल हमसे पूछता है कि लॉग देखो यहां पे सवाल हमसे ही पूछता है कि लॉग ए पावर फोर ए पावर फोर यानी सब लोग क्या करेंगे इस ए का जो मान मिला है इसका पावर फोर करेंगे तो चलिए रूट तीन का पावर चार करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट तीन यानी कितना हो जाएगा चला नौ हो जाएगा और चार के पावर चार हम करेंगे ये तो चार चौके सोलह चौके चौसठ चौके दो सौ छप्पन हो जाएगा यहां पर दो सौ छप्पन हो जाएगा और इसका जब पावर चार करेंगे तो दो तो पावर पहले से था और पावर चार करेंगे तो आठ हो जाएगा सही बात है हाँ। अब इसी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है जबकि बेस यहां पर क्या लिखा हुआ भाई दस देखो बेस यहां पर दस अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं समझो छुपा हुआ है अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं लॉग नौ को हम लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर और ये सात के पावर आठ हो गया और नीचे में दो सौ छप्पन को हम लिख सकते हैं के पावर पता है आठ लिख सकते हैं ठीक है अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा जी देखिए ये दोनों गुणा में है तो लॉग के साथ प्लस में लिखाएगा और ये भाग में है तो माइनस में लिखाएगा और पावर गुणा हो जाएगा यानी कह सकते हैं टू इन टू आपका हो जाएगा लॉग थ्री प्लस देखो लॉग को इसके साथ लिखे तो आठ गुना यानी आठ गुना आठ गुना लॉग सेवन हो जाएगा और माइनस भाग में तो इसके साथ मैंने आठ गुना में जाएगा यानी आठ गुना आपका लॉग टू हो जाएगा अब जो वैल्यू है उसको आप बैठा दो बोलिए लॉग थ्री का मान है इतना सही बात है लॉग थ्री का मान लेकिन दो से मल्टीप्लाई करना था दो से मल्टीप्लाई भी कर लो तो सात दुना चौदह का चार एक सात दुना चौदह और एक पंद्रह का पांच एक और चार दुना आठ और एक नौ पॉइंट नाइन फाइव फोर हो जाएगा ठीक है और लॉग सेवन को आठ से गुणा करना है तो इसको आठ से गुणा करना है सारे विद्यार्थी करो तो आठ पंचायत बत्तीस चार छत्तीस का छो 3, और 8, 8, 64, और 3, 66, तीन और अठी अठी चौसठ और तीन सड़सठ तीन अंक के पहले डेसिमल हमने यहां बैठा दिया फिर देखिए लॉग टू की वैल्यू है और इसको गुणा करना है पता है किससे आठ से गुणा करना लॉग टू की वैल्यू आठ से गुणा करना है तो देखिए कितना चौबीस सौ आठ हो जाएगा इसका मान गुणा करेंगे तो चौबीस सौ आठ और तीन अंक के पहले डेसिमल तो यहां पे हमने बैठा दिया अब चलिए इसको सॉल्व करिए सब लोग इन दोनों को जोड़िए देखो चार छ पांच ग्यारह का एक और सात नौ सोलह और एक सत्रह का सात और छ और एक सात और इसमें से घटा देना है दो दशमलव चार जीरो आठ को घटाना है तो बोलो सात में से दो घटेगा पांच और सात सौ चौदह में से चार सौ आठ घटाएंगे तो आपका कितना तीन सौ छ हो जाएगा यानी पांच दशमलव तीन जीरो छ पांच तीन जीरो नंबर कौन सा ए ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफर का लाइव क्लास कितने बजे से है ऑफर का लाइव क्लास चला टेन ए एम से है ठीक है टेन ए एम से आपका है टेन एम में आपका है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन यहां पर है आप सभी लोग इस चीज को इसका सॉल्यूशन चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं ठीक है अब जो है हिम्मत नहीं हारना है हम लोग अंतिम पड़ाव में है लगभग तीन घंटे के आसपास में होने को है यहां पर है ना लेकिन घबराना तो एकदम नहीं है हम लोग अंतिम पड़ाव में शायद एक दो क्वेश्चन के आसपास में और रहे आपका ठीक है देखो ये हमारा तगड़ा सवाल है सुनिएगा सब लोग लॉग एक्स की वैल्यू इतना दिया है और वाई बराबर एक्स पावर लॉग एक्स तो लॉग वाई की वैल्यू कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है देखो मेरे भाई बहुत आसानी से आप सवाल को कर सकते हो इधर जो दो जीरो है ना पॉइंट जब बैठ गया तो इधर वाले दो जीरो का मतलब नहीं है बोलो इसमें हम लॉग ले लेंगे इसमें हम लॉग ले लेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा ठीक है और इधर जब लॉग लेंगे तो ये गुणा आ जाएगा इन लॉग एक्स जी देखो लॉग लगाएंगे तो लॉग भाई इधर लॉग लगा देंगे यहां लॉग लगा देंगे तो पावर पीछे गुना में आ जाएगा अब फिर ठीक है तो सवाल यही कहता है कि लॉग वाई का मान बताओ कितना है लॉग वाई का मान बताओ कितना है तो लॉग एक्स का मान कितना है वन पॉइंट टू फाइव रख दीजिए लॉग एक्स का मान वन पॉइंट टू फाइव रखिए और आपको नहीं लग रहा है कि लॉग एक्स गुना लॉग एक्स कितने बार गुणा है दो बार तो दो बार गुणा करने से बेहतर है सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए यही लॉग वाई की वैल्यू हो जाएगा देख लो सी डी एस मेन्स एग्जाम दो हजार बाईस में पूछा गया सवाल है अब बताइए सब लोग एक सौ पच्चीस का जब स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा पंद्रह हजार छ सौ पच्चीस दो अंक के पहले डेसिमल है जब स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के चार अंक के पहले डेसिमल होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर है तो देखो भैया ये भी सवाल का जो है एकदम धुआं धुआं हो गया आपका चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा सवाल की राम नाम सत्य जो है वो हो चुका है ठीक है हमारे सवाल का राम नाम सत्य हो चुका है और यहां पे मैं आपको जो है वो आपका कंप्लीट करा दिया है आपका ठीक है चला लॉगरिथम को हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है आप सारे विद्यार्थी जो है इस लॉगरिथम के सेशन को कोशिश करिएगा थोड़ा लंबा क्लास हो गया क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा करा लगभग सत्तर से अस्सी सवाल अभी जो हम टेलीग्राम पर इसका पीडीए भी डलवा देंगे ठीक है उससे पहले आप सुन लो इन सारी चीज को हो सके तो एक बार और आप चीजों को रिवाइज करो क्योंकि लॉगरिथम मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया और पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में या फिर इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस नहीं कराया गया होगा आपका सही बात है तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को आज एंड करेंगे और उससे पहले एक बार और कहना चाहेंगे कि जितने भी कह सकते हैं अप्लीकेशन पर कोर्सेज है सब पर अभी जो है ना वो फिफ्टी परसेंट मेरे दोस्त फिफ्टी परसेंट जो है आपका ऑफ चल रहा है फिफ्टी परसेंट जो है आपका ऑफ चल रहा है जितने भी कोर्सेज है उस पर पचास परसेंट आपका डिस्काउंट चल रहा है एप्लीकेशन पर डिस्काउंट करने के लिए कूपन कोड लगाना होगा ए एन यू एस एच अंकुश फाइव जीरो आपका ठीक है अंकुश फाइव जीरो लगाइएगा ऑटोमेटिक फी आपका आधा हो जाएगा है ना आज रात बारह बजे तक आपका ये ऑफर है फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा फिर आपको फी वापस जो है वो पूरा का पूरा आपका लगेगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही शानदार आप सभी को लगा होगा एक बार हम चाहते हैं आप सभी लोग जिन्हें भी सेशन शानदार लगा एक बार कमेंट सेक्शन में नाइन टाइप करके बता दो ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे मैंने भी लगभग तीन साढ़े तीन घंटे आज मेहनत किया है ठीक है चलिए सीजीएल का चैप्टर वाइज डिस्कशन कराइए चलो इस चीज को भी लेकर के हम आएंगे आप इंतजार करिए बाकी फिर हम मिलेंगे एक बहुत ही कह सकते हैं शानदार क्लास के साथ आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ताकि जब भी क्लास से जाए तब आप हमारे साथ लाइव जुड़ करके क्लास का आनंद ले सके और नई नई चीजों को आप सीख सके ठीक है तो फिलहाल आज की सेवा यहीं तक मिलेंगे वापस अगली क्लास में धन्यवाद बाय लव यू गुड नाइट आप सब लोग अपना ध्यान रखिए अपने अपनों का ख्याल रखिए है ना खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए सेहत पर ध्यान रखिए आपका है ना क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा कह सकते हैं पूंजी है वो खुद का शरीर आपका है स्वस्थ ही धन है अगर आप स्वस्थ हैं तो समझो आपका मस्तिष्क भी कह सकते हैं स्वस्थ है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही कह सकते हैं इन सारे सारे मैथ्स का फॉर्मूलाज जो क्वेश्चन हो रीजनिंग का हो जीके जीएस का निवास हो होता है, है कि नहीं बात हाँ चलिए ठीक है चलिए तो आज की सेशन को यहीं भी रोकते हैं बाय